चार्थेषु विज्ञसुराट् तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरय तेजो वारमृदां यदा विनमयो यत्रत्र सर्वमर्श धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं देमहि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। वसुदेवसुतं देवं कंसचाडूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णौ वंदे जगद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा
सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचिकं तस्य शेषम् श्री राधा मेरी स्वामिनी मे राधे तिरुदास जनम जनम मोहि दीजियो श्री चरणन को वास सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तुमरे द्वार अहो वृषवानु की लाडली नक मेरी ओर निहार वर्षाने की राधिका नंद गाम के श्याम इनके चरणन में करूँ मैं कोटि कोटि प्रणाम कृष्णम नारायणं वंदे कृष्ण वंदे व्रज प्रियम कृष्णम द्वैपायनं वंदे कृष्ण वंदे व्रदासुतम। सभी लोग नित्य की तरह सर्वप्रथम अपने दोनों हाथ जोड़ेंगे, उसके बाद विश्व शांति के लिए हम और आप प्रार्थना करें, फिर भगवान के इस विवाह महोत्सव में और राधाष्टमी के इस पावन दिवस पर सर्वेश्वरी श्री राधा के प्राकट्य का हम और आप सभी आनंद लेंगे। हे ईश्वर सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवान, धन धान्य के भंडारी, सब भद्रभाव देखे, सदमार्ग के पतिगो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणदारी। से संसार सब दुखिया रहे न को, यह अभिलाषा हम सब की भगवान पूरी हो, विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध पोत धन धान से वंचित रहे न को, प्रेम से मन होवे भरपूर, राग द्वेष से चित्त मेरा वो सौभागे तो, मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, आशा तेरे नाम की बनी रहे ममे, से हमें बचाइए करके दया दया, अपना भक्त बनाए के सबको करो निहार, दिल में दया उदारता मन में प्रेम अपार, हृदय में धीर दीनता हे मेरे करता, हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए कृपा संगत सुख दीजिए, दया धर्म का दान दीजिए, दया धर्म का दीजिए, दया धर्म
आराध्य श्री युगल सरकार के चरणों में कोटि कोटि नमन, उनसे प्रार्थना वो अपनी व्यासपीठ ग्रहण करें। उनके उपरांत में परम श्रद्धेय श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन, उनसे प्रार्थना वो अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। स्थान देवता, वास देवता, ग्रामीण देवता, नगर देवता, वास देवता, इन सबको बार बार प्रणाम, ये भी अपना स्थान ग्रहण करें। विदुष समाज, सभी ब्राह्मण समाज, संत समाज पधारे हुए सभी भक्तों के हृदय में उपस्थित मेरे सर्वेश्वर भगवान को कोटि कोटि नमन। सभी एक बार प्यार से बोलेंगे। आज बहुत ही सुंदर दिन है। आज के दिन सर्वेश्वरी श्री राधा का प्राकट्य हुआ। कृष्ण के प्राण, कृष्ण का आनंद, कृष्ण का आह्लाद है सर्वेश्वरी श्री राधा। हमारे ब्रज में कहते हैं, ये राधा नाम ना हो तो रस राज बिचारो रो तो, यही गाते हैं। गाएं भजन, आइए मिलकर गाएंगे मेरे साथ, यही प्यारा भजन है। बहुत सुंदर भजन है। नहीं लेते कृष्ण अवतार, भजे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, भजे जा राधे राधे। अकत कहानी न जाने ज्ञानी ध्यानी, ये प्रेम की अकत कहानी न जाने ज्ञानी ध्यानी, ये प्रेम की अकत कहानी न जाने ज्ञानी ध्यानी, ये प्रेम की अकत कहानी न जाने ज्ञानी ध्यानी। हो आए जाने, हो आए जाने, हो आए जाने बिरज की तार,
प्यारी लीला है। ये वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ को चीला, ये वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ को चीला। ऐसे में चीला खावे में बड़ा आनंद आवे, मैं पर रो होए और घरवारी गरम गरम चीला बना के खवा रही होए, हैं कब किस्मत वारे ये मिले ना तो सामने ठंडो ही मिले। हाँ भाई तुम्हें मिले हैं, लेकिन ये वृंदावन की लीला को दूसरे रूप से समझो। वृंदावन की लीला साधारण नहीं है। जो कृष्ण को जानना चाहे उसे सबसे पहले गीता नहीं वृंदावन की लीला समझनी पड़ेगी। ये वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ को चीला, ये वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ को चीला। ओ याते ओ याते ओ याते ऋषि मुनि गए हार बजे जा राधे राधे, याते ऋषि मुनि गए हार बजे जा राधे राधे, बजे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे, बजे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे। ओ राधे ओ राधे ओ राधे अलवेली सरकार बजे जा राधे राधे, राधे अलवेली सरकार बजे जा राधे राधे। शिव वृंदावन में आयो वन गोपी रूप बनायो, वृंदावन में आयो वन गोपी रूप बनायो, शिव वृंदावन में आयो वन गोपी रूप बनायो, शिव वृंदावन में आयो वन गोपी रूप बनायो। हो बंसी वट हो बंसी वट हो बंसी वट की ओ बिहार रटे जा राधे राधे, ओ बंसी वट की ओ बिहार रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे बजे जा राधे राधे, राधे 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 ओ राधे ओ राधे ओ राधे अलवेली सरकार, रटे जा राधे 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 अलवेली। राम ना हो तो रस राज बिचारो रोतो, ये राधा नाम ना हो तो रस राज बिचारो रोतो, ये राधा नाम ना हो तो रस राज बिचारो रोतो, ये राधा नाम ना हो तो रस राज बिचारो रोतो। हो ना लेते हो ना लेते हो ना लेते कृष्ण अवतार जोर से। ऐसा लगे कि हाँ हम राधा रानी का जन्मोत्सव मना रहे हैं, इतना प्यारा जन्मोत्सव कि कन्हैया भी जलने लग जाए कितना प्यारा, हमारा तो मनाया ही नहीं। ओ
गली गली में हाँ बरसाने में रंगीली गली में हाँ गेवर वन में वहाँ गली गली में वहाँ पेड़ पेड़ पे वहाँ डाल डाल में वहाँ बाद बाद में सब और बोले हाँ बंदर बोले हाँ कोयल बोले जय राधे राधे जय राधे 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 भागवत महापुराण की सद्गुरुदेव भगवान की युगल सरकार की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या गौ माता की विश्व में ओ शांति शांति शांति। सर्वप्रथम आप सभी एक बार जोर से बोलेंगे जयकारा लगाएं और जोर से जयकारा लगाएं। पूरो आनंद लेवे के चक्कर में आयो है कौने को रह न जाए अम्बे। सर्वप्रथम हम और आप सभी जब बोल लो जैन जब फुर्सत मिले तो बता दी मैं कथा शुरू कर लूंगा। तुमने तो दक्षिणा देना है दक्षिणा दिए जजमान नेवा को काम है लंदे कथा आंदे कछू है। जैसा आज आप बड़े प्रसन्न हैं आनंदित हैं क्योंकि सर्वेश्वरी श्री राधा का आज प्राकट्य दिवस है। मैंने कल आपको बताया था कि हम और आप भी यहाँ पर श्री राधाष्टमी का जन्मोत्सव राधा रानी का जन्मोत्सव राधाष्टमी बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। जैसे कृष्ण जन्माष्टमी वैसे ही राधाष्टमी। सर्वेश्वरी श्री राधा गोलोक से वृंदावन ब्रज में कैसे पहुंची आज हम आपको राधा प्राकट्य की कथा सुनाएंगे प्रथम, उसके बाद कथा क्रम प्रारंभ करेंगे। उससे भी पूर्व एक प्रश्न आज सुबह मेरे सामने आया कि महाराज आपने कहा कि भगवान का प्राकट्य हुआ श्री कृष्ण का श्री कृष्ण प्रकट हुए सातवां गर्भ जैसे योग माया ने रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया था तो देवकी के गर्भ में आठवां भी गर्भ था तो वो आठवां गर्भ कहां गया जब कृष्ण प्रकट हो गए तो कृष्ण तो प्रकट होते हैं तो आठवां गर्भ कहां गया। प्रमाणिक तौर पर यह पूरी कथा आपको ध्यान से सुननी होगी। यही कंडीशन मां कौशल्या के साथ में भी हुई, उनको भी लगा कि मेरे गर्भ में कोई है लेकिन वहां लिखा गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, तो दोनों कंडीशन बराबर है। सिर्फ भगवान कृष्ण की ही बात नहीं है, ये भगवान राम की भी बात है।
क्योंकि भगवान कभी माँ के गर्भ में नहीं जाते। इंसान में और भगवान में अंतर है, हम और आप इंसान हैं, प्रकृति में और हमारे अंदर क्या समझौता है, क्या लिंक है, व्हाट इज अ कनेक्शन हमारे मानव के और प्रकृति के बीच में, कनेक्शन क्या है। अगर प्रकृति ना हो तो इंसान हो ही नहीं सकता। हमको जो बनाया है वो प्रकृति में से ही लेकर एक सार बनाया है इंसान को। चित जल पावक गगन सवीरा, हम लोग प्रकृति को अवॉइड नहीं कर सकते। बिना पानी के 70% वाटर है हमारे अंदर। ये जो हार्ड वार्ड जो दिख रहा है, मांस मांस जो दिख रहा है, ज्यादा ना है, 30% है ये वजन इनको। 70% जो आपके अंदर वजन है वो है वाटर का, पानी का, जल का। आपको और हमको, आज चलो ये बात चल रही है तो मैं आपसे एक निवेदन भी करूंगा, कभी प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ये जो जो गेंडान की तरह ना सो जाए वो टपन में, किस किस के घर में टप बने हुए हैं, बने पानी भर के, और जट जाए से भैंस ना सो जाए न, पानी में जाए के भैंस सो जाए। अरे तेरे भगवान भलो करे तेरो, एक तरफ तो कहते हो पानी की कमी है और दूसरी तरफ पानी ऐसे बिगाड़ रहे हो, क्यों भाई? कोई मोरल है कि नहीं है, जमीर है कि नहीं है? एक वो लोग हैं जिनको पानी पीने को नहीं मिलता, मैं बता नहीं सकता इतना कम पानी यूज करता हूं मैं अपने जीवन में, जैसे मेरे आने वाली पीढ़ी को थोड़ा और एक्स्ट्रा पानी मिल सके। ये सच्ची बोल रहा हूं मैं, एक्स्ट्रा मैं पानी खराब नहीं करता हूं। आपसे भी निवेदन करूंगा, एक एक बूंद बचाइए पानी की, एक एक बूंद, क्योंकि एक एक बूंद बहुत महंगी है। ताली बजाने ते कब पानी बच रहा है, वो ध्यान तो सुनो पहले, पानी बिकने लग गया कि नहीं? बिकने लग गया ना, अब इससे बुरे दिन और क्या आएंगे, पानी बिक रहा है तुम्हारे देश में। तो पानी बचाना चाहिए। देवियों जितने भी टप हैं या तो उन्हें बंद कर दो, वैसे तो ग्वालियर में कमी होंगे, ज्यादा ही कम है। जिन जिन के घर में है आज के बाद यूज मत करना, ये मैं निवेदन कर रहा हूं। तो हमारे बॉडी के अंदर 70% पानी है, बाकी का अटरम सटरम जो भी है, लेकिन हम लोग जो ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन कौन क्रिएट करता है, हैं? कौन? पेड़ पौधे ना, यही ना ऑक्सीजन क्रिएट करते हैं। बिना ऑक्सीजन के वी नेवर लिव, हम लोग जिंदे नहीं रह सकते। ऑक्सीजन हमारी जरूरत है, सबसे बड़ी जरूरत है, सबसे बड़ी नीड है, हाँ या ना? जवाब दीजिए। तो आज आपके लिए बिल्डिंग बनाने के लिए पेड़ काटे जा रहे हैं, जब पेड़ ही नहीं होंगे तो ऑक्सीजन कहां से मिलेगी? और ऑक्सीजन किराए पे मिले वाली है ना, जो भी थोड़ी बहुत मिलती है वो हॉस्पिटल वाले रखते हैं, वो भी अंत समय के लिए। इसलिए आप सबसे एक और प्रार्थना करूंगा कि एक एक पेड़ अपनी जिंदगी में एक बार जरूर लगाना चाहिए, अपनी जिंदगी में एक पेड़ जरूर लगाओ, अगर समाज का और प्रकृति का भला चाहते हो तो, अपना भला चाहते हो तो। किस किस ने पेड़ लगाए अब तक अपनी जिंदगी में, लगाए? वेरी गुड। नहीं लगाए? माताजी के नाम से 5 लगाना, कल कथा पूरी होगी, कल ही ऐसा व्यवस्था करना कि माताजी के नाम से 5 पेड़ लगाओ और उनको माताजी की ही तरह उनकी सेवा करना, और बड़े होके वो सबको फल दे सकें, ऐसा लाभ होना चाहिए। जगह खूब बढ़िया, यहीं लगा दे 5 नहीं तो 11 जितनी भी श्रद्धा हो। ये आज्ञा है व्यासपीठ से हमारी आपको, हैं? हाँ, सबरे में इकट्ठो करवा तू का करेगा, सबरे गिरवा दे पेड़ अंति
इतनी मैं कमाल कर रहा, ऐसे ऐसे स्वादिले, ऐसा नहीं करते। आप भी अपने जीवन में एक एक पेड़, सबसे प्रार्थना कर रहा हूं, आप एक पेड़ की ऑक्सीजन से ज्यादा ऑक्सीजन लेते हो पूरी लाइफ में, तो आपसे भी प्रार्थना है आने वाली पीढ़ी को भी ऑक्सीजन मिल सके, इसलिए पेड़ जरूर लगा के जाओ। प्लीज आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, आप सबसे प्रार्थना, मे बी आप लोग मान ही लेंगे, कौन कौन मानेगा? क्या बात है, क्या बात है, कुछ तो जिद्दी अभी भी यूं ही बैठे हैं। भगवान करे तेरे घर के आगे को जो पेड़ है वो तो कम ऑक्सीजन दे, जब पता चलेगी तो जरूर लगाना, ठीक है? तो ऑक्सीजन उससे लेते हैं, वायु, ये प्रकृति है, वायु, वायु के बिना तुम्हारा कोई जीवन नहीं, बिल्कुल भी जीवन नहीं। तुम्हारे एसी बेकार कब हो जाते हैं? जब भयंकर गर्मी पड़ती है और इतनी भी हवा नहीं चलती है, तब वो कहते हैं एसी भी काम नहीं कर रहे, कहां से करेंगे एसी जब विदेशी काम चल रहा है? एसी तब काम चलेगा जब देसी काम करोगे। वायु के लिए व्यवस्था है पेड़ों की, पेड़ जितने ज्यादा होंगे उतना गर्मी कम होगी, जितने ज्यादा इस पृथ्वी पर, भगवान भगवान कोई वैसे थोड़ी होती तरह इंजीनियर भी ना होगा, वो पहाड़ बनाए तेरे लिए, नदी बनाई तेरे लिए, वृक्ष बनाए तेरे लिए, धरती बनाई तेरे लिए, आयु वायु बनाई तेरे लिए, आकाश बनाया, सब कुछ तेरे लिए बनाया, और तूने क्या किया? सुपड़ा साफ, जमीन खोद खोद के बोले, क्या बोले? अंडरग्राउंड बनाएंगे, बना ले, पेड़ काट काट के बोले विस्तार करेंगे। ये सब चीजें हमने नुकसान दिया है पृथ्वी को, भगवान ने तो बड़ा सुंदर सारा संसार बनाया, बहुत सुंदर। तो अग्नि, अग्नि ना हो तो पृथ्वी ना हो तो पानी में रहो, और आकाश की छाया ना हो तो ये सब प्रकृति से तुम्हारी एक एक सांस जुड़ी हुई है। इस प्रकृति को हमको सेव करना चाहिए, ना कि इसको नुकसान पहुंचाना। ये प्रकृति के साथ जीव का कनेक्शन है, क्यों? ठीक है ताऊ जी, ये कनेक्शन है। दूसरी बात, भगवान जब प्रकट हुए तो वो गर्भ कहां गया? राइट, ये वैलून देख रहे हो, ये वैलून देखा, ये देखो वैलून, ये जो लट भरे हुए हैं यहां, इसमें क्या है, क्या है इसमें? है? हवा। लाल है कि पीली, हरी है कि गुलाबी? जोर से बोली, पिंक है, पिंक या ब्लैक? हवा किसी ने नहीं देखी, देखिए बहुत तेज हवा चलती है, धूल उड़ती है, धूल दिखती है पर हवा नहीं दिखती, राइट? कई बार इंसान भी दिखते हैं पर हवा नहीं दिखती। इस बैलून में भी कुछ है लेकिन वो तुम्हें नहीं, बैलून फूला हुआ दिख रहा है लेकिन बैलून के अंदर जो हवा है अगर खोल भी दो इसे तो वो कुछ भी दिखने वाला नहीं है। इस बैलून के अंदर क्या है? हवा। हवा मीन्स माया, माया मीन्स जो दिखता तो है पर है, दिख तो रहा है, माया मीन्स होता है भ्रम, माया मीन्स भ्रम, भ्रम मीन्स डाउट, डाउट मीन्स संदेह, संदेह मीन्स शंका, और गिनवाऊं भाषाओं में इतना ही बहुत है मेन दाते। तो लगता है कि नहीं है कि नहीं, जहां ये डाउट हो वही माया है। परमात्मा जब आते हैं तो माया भगवान की जगह माया गर्भ में जाती है, भगवान कभी गर्भ में नहीं जाते। गर्भ में कौन जाती है? माया। और माया की कंडीशन क्या है? बोले इस हवा की तरह। मां को एहसास तो हुआ कि मेरे गर्भ में कोई है पर एक्चुअलिटी यह है कि वहां कुछ है ही नहीं, एक्चुअलिटी यह है कि वहां कुछ है नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान तो कभी गर्भ में जाते नहीं। तो भगवान नहीं जाते तो देवकी मां ने तो कहा था मुझे तो लग रहा है ऐसे मेरे गर्भ में कोई दिव्य शक्ति है। अब गर्भ में कोई दिव्य शक्ति है ये होने से पूर्व तुम कैसे बता सकती हो? क्योंकि तुम्हें अनुभव हो रहा है। अनुभव कौन करा रहा है? परमात्मा। परमात्मा की माया, माया जो है ही नहीं।
जैसे इस गुब्बारे में हवा देखने जाओगे तो नहीं मिलेगी, वैसे ही माँ के गर्भ में परमात्मा को देखने जाओगे तो नहीं होगा, लेकिन परमात्मा है, गर्भ है, ऐसा उस देवकी को महसूस हुआ, एक्चुअलिटी है नहीं। बोलो राधे राधे। नाउ इज ओके, राधे राधे बोलना पड़ेगा। ये तो हुआ प्रश्नों का उत्तर, बस ज्यादा मत कर देना। अब कल बोले महाराज जी प्रश्नों का उत्तर भी देते हैं तो ले महाराज जी इसका भी दे दो। अरे ज्यादा मत करिए, बस लिमिट में, अब और मत करना, कोई कथा इतनी देर हो गई लेट। अब सुनो राधाष्टमी का, भगवान सर्वेश्वर श्री कृष्ण की अर्धांगिनी। अर्धांगिनी का मतलब यहां पत्नी से नहीं है, लिखा है राधा कृष्ण स्वरूपां वै कृष्णम राधा स्वरूपिणम कलात्मानम निकुंजस्तम श्री गुरु रूपम सदा भजे। सबसे पहले तो ये सोचना बंद कर दो कि राधा और कृष्ण दो हैं, वो एक ही हैं। और इसका प्रमाण हमें ब्रज की लीलाओं में कई बार मिला है, या को प्रमाण हमें ब्रज में कई बार मिलो है। कैसे मिले हो? बोले जब जब कन्हैया को सतावे को मन करे हो ना ब्रज गोपीन को, तो राधा रानी को कृष्ण बना देव करें। आज हम गए शर्मा जी के घर तो बता रही, वो हमें वो तुम्हारी मुदरिया छोरी लीला बड़ी अच्छी लगी। सर्वेश्वरी श्री राधा पहली बार राधा रानी ने चोरी करी तो वो भी कन्हैया की, चोराग्रगण्यम जो चोरन के सरदार हैं उनकी कोई चोरी कर सके? बोले कर सके। कौन? बोले उनको मालिक। सरदारन की तो मालिक हो है, उनको मालिक कौन है? कृष्ण की मालिकिन है सर्वेश्वरी श्री राधा। राधा रानी सब गहने चुरा लाई कन्हैया की, मुकुट लकुट बंसी बाजूबंद सब गोपीन के कहवे थे, राधा रानी भी चुरा लाई। अब कन्हैया देख रहे हैं कहाँ कहाँ कहाँ, जट समझ गई हमारे घर में तो चोरी एक ही कर सके। परवस विन मावस चोरे में चोरन घर चोरी है गई। अरे देखो तो सही कहा है, चोरन के घर चोरी है गई। भैया जट पहुंच गए बरसाने, बरसाने गोपी ने ढक्का मारे भगा दी, जहाँ कोई चोरी बोरी, हम हमारी किशोरी जी राजकुमारी चोरी करेंगी तुम्हारी तरह का। अब कन्हैया समझ तो गए चोरी है कि तुम सामान नहीं आयो, पर मिलेगी नहीं ऐसे सामग्री। जट कन्हैया की दीवानी बन के आ गए कन्हैया, कोई श्याम से आज मिला दो हमें। क्या बन के आ गए? जोर से बोलो, श्याम की दीवानी। मतलब क्या बने? स्त्री। क्या बने? जोर से बोलो ना, इसका मतलब कृष्ण पुरुष नहीं है भाई, स्त्री बने हैं तो स्त्री बन, आप फिल्मी एक्टरों की तरह थोड़ी बने होंगे, वो तो पूरी स्त्री बन के आए होंगे। अब बन के आए पूछ रहे हैं कृष्ण से मिला दो, कृष्ण से मिला दो, कृष्ण से मिला दो। सखी बोली सर्वेश्वरी श्री राधा आप कृष्ण बन के दर्शन दे दो। बोले कृष्ण कैसे बनो? बोले वो जो सामान चुराए के लाई ना हम सामग्री, मुकुट लकुट बंसी पीतांबर सब वही धारण करो और दर्शन दे दो। और झट सर्वेश्वरी श्री राधा कृष्ण बन गई, वही बंसी है, वही लकुट है, वही पीतांबरी है, वही मुस्कान है, मुस्कान भी चेंज नहीं है, एकदम श्याम, एकदम कन्हैया की तरह ऐसी लग रही जैसे जो फोटोकॉपी, फोटोकॉपी में तो फिर भी अंतर है सके, यहां तो कोई अंतर ही ना है, डुक्टो सेम टू सेम। अब वो कन्हैया जो जोगन बन के गए, दीवाने बन के गए, दीवानी बन के गोपी श्याम बिरहनी, वो कह रही अरे सखी अगर तुम बुरो न मानो तो मैंने एक जोरते जाए के दर्शन कर लूं। बोले बिल्कुल कर लो, जोरते नजदीक थे और जोर चली जाओ, चली गई। और जब जाए के दर्शन कर रही हैं, बोले सुनो साहब कितने सुंदर लग रहे हैं, नीकी बनी सो बनी ब्रज दूल्हे सी, मृद मुस्कान बड़ी प्यारी छवि नीकी है, तुर्रा कलंकी मोर पंख हुए नीके बने। बड़े सुंदर लग रहे हैं,
प्यारी मुस्कान बड़ी सुंदर बड़ी नीकी के सब कृपा कर दीजिए उतार सवे दृष्टि कित फेरी ये बंसी तो मेरी। कृपा करके धीरे धीरे सवन ने उतार दो, ये बंसी मेरी है, लकुट मेरी है, मुकुट मेरो है। अभिप्राय समझे, ये लीला मैंने शॉर्ट में आपको क्यों सुनाई, क्योंकि जब चाहे तब राधा कृष्ण बन सकती हैं और जब चाहे कृष्ण राधा बन सकते हैं, इसलिए वो दो नहीं है, वो एक ही हैं। कृष्णम राधा स्वरूपिणम, दो नहीं है, वो आनंद है। कृष्ण का अलग आह्लाद आनंद उत्सव है सर्वेश्वरी श्री राधा। तो एक समय की बात है, पूर्व काल में राजा स्वच्छंद और रानी कलावती, ब्रह्मा जी की अटूट तपस्या करी, बहुत तपस्या। अंत तो गत्वा ब्रह्मा जी प्रसन्न भए और ब्रह्मा जी ने कही हम ते कोई वरदान मांग लो। तो जब वरदान मांगवे के लिए कही गई तो रानी कलावती ने एक बात बड़ी सुंदर कही, हे पितामह, अगर आप हमारी तपस्या से प्रसन्न हो तो हमें एक वरदान दे दो। कैसे? बोले मेरे मन में एक इच्छा है, जैसे राजा जनक के घर में, सुनेना जी के घर में सीता मैया को जन्म भयो, जैसे हिमाचल और मैना के घर में पार्वती जी को जन्म भयो, मैं ऐसी ही कन्या को अपनी गोद में खिलाना चाहूं। ऐसी मतलब उनको नहीं, वैसी ही। ब्रह्मा जी बोले, बात तो तुम्हारी सही है, विचार तुम्हारा सही है, इच्छा तुम्हारी बहुत सुंदर है, परंतु जो शक्ति तुम हमसे मांग रही हो, हमें वो कैपेसिटी नहीं है कि हम वो वरदान तुम्हें दे सकें। हमारे पास अधिकार, ये आउट ऑफ लिमिट की बात है, हमारे अधिकार के बाहर की बात है, हम नहीं दे सके। अब तो एक ही परम शक्ति है, वो है सर्वेश्वरी श्री राधा, लेकिन उनको हम तुम्हें वरदान में दे दें तो ये हमारे बस की बात नहीं। तो महाराज कोई उपाय बता दो। बोले जैसे तुमने हमारी तपस्या करी है वैसे ही सर्वेश्वरी श्री राधा की तपस्या करो, गोलोक में विराजमान श्री कृष्ण के साथ में है, अगर तुम राधा रानी की तपस्या करोगी तो तुम्हें वो अवश्य कृपा करेंगी। रानी कलावती और मुचकुंद, रानी कलावती और स्वच्छंद, क्षमा करना, राजा स्वच्छंद और रानी कलावती तपस्या करने लगे सर्वेश्वरी श्री राधा की, और सर्वेश्वरी श्री राधा की तपस्या करवे लगे, तपस्या पूर्ण भई। राधा रानी बड़ी दयालु हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न है गई। बोले वरदान मांगो, वरदान मांगो, वही बात उनने वहां कह दी। समझ रहे हैं? किसी से भी मांगो, माताजी से, पिताजी से, भगवान से, इष्ट से, गुरुदेव से, किसी से भी मांगो। विनम्रता, विनम्रता तुम्हें एकदम डायमंड बनाती है, याद रखना मेरे भाई बहन। अगर तुम्हें विनम्रता नहीं है, इट मींस यू आर नॉट गुड ह्यूमन बीइंग, तुम अच्छे इंसान नहीं हो। झुक गए तो समझो तुम्हारे सारे काम हो गए। फलदार वृक्ष झुके हुए होते हैं कि अकड़े हुए? जोर से बोलिए, लाखों बार सुने होंगे, ज्यादा इस पे चर्चा नहीं करूंगा मैं। फलदार वृक्ष झुके हुए होते हैं, और आजकल के फलदार वृक्ष कैसे होते हैं, चार इधर, चार इधर, चार इधर, चार इधर, बीच में चले गए ऐसे। ये फलदार नहीं है, ये दुखदायक वृक्ष है। वृक्ष बड़े जी विसफल लागे, ताए बढ़े पहले ही त्यागे। जिस वृक्ष में विष के फल लगे, ऐसे वृक्ष को बढ़ते हुए नहीं देना चाहिए, बढ़ने नहीं देना चाहिए। जो इंसान प्राउडी और घमंडी होता है वो विष वाला ही वृक्ष है, न सिर्फ अपना नुकसान करता है, आने वाली पीढ़ी को भी वो गिफ्ट देके जाता है कि जैसे मैं जी रहा हूं वैसे तू भी जियो,
खुद तो मरेंगे ही सनम, पड़ोसियों को और घर वालों को भी ले डूबेंगे। गलत बात है। विनम्रता तेरे जीवन का सबसे सुंदर शस्त्र है। अगर तेरे जीवन में विनम्रता आ गई तो तुझे कोई झुका नहीं सकता। झुके हुए को कितना झुकाओगे? दुर्योधन जब झुका नहीं तो कन्हैया ने उसे सर्रू देखे, सर्रू सर्रू नेक सी हवा आवे शब्द पीले पहले सड़क पे वही पड़े मिलेंगे तुम्हें, हाँ या ना? जवाब दीजिए। क्यों? बोले न तो किसी को छाव दे लंबो ही लंबो लंबो ही लंबो लंबो ही लंबो एम ही ठाड़ो नेक सी हवाई झड़ाक नीचे। इसका मतलब लंबाई महत्वपूर्ण नहीं है, विनम्र होना तेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर तू विनम्र हो गया तो देवी देवता भी तेरा प्यार पाने के लिए कहते हैं कि इसका प्यार हमें भी मिल जाए। जोर से बोलो जरा एक बार, और जोर से बोलना पड़े। तो विनम्रता देखिए क्या मांग रही है। आप जैसी, डायरेक्ट ये नहीं कह सकते आप आ जाइए ना, आप जैसी कन्या चाहिए। सर्वेश्वरी श्री राधा बोली, अपने समान कहाँ ढूंढूं, मेरे समान कहाँ ढूंढूंगी जाके? चिंता मत करो, तुमने तपस्या करी है तो मैं ही तुम्हारी पुत्री आके बनूंगी और तुमको माँ को सुख प्राप्त कराऊंगी, मैं खुद आऊंगी तुम्हारे लिए। परंतु सर्वेश्वरी राधा ने वरदान तो दे दियो, वाक्य बाद गोलोक में पहुंची तो बड़ी उदास। कन्हैया ने पूछी कहा बात है, काहे को उदास हो? बोले हे कृष्ण, मैं वरदान दे के आई हूं कि मोकू पृथ्वी पे जानो पड़ेगो, परंतु मैं तो तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकूं, फिर मैं कैसे जाऊंगी वहां, कैसे जाऊं? कन्हैया बोले आप चिंता मत करो, पहले पहले आप चलो, पीछे पीछे मैं आऊं। आपने देखा होगा पहले कृष्ण जन्माष्टमी आती है फिर राधाष्टमी आती है ना, हाँ या ना? अब बाद में तो आई है। और सच्चाई क्या है? पहले राधा रानी आई, बाद में कन्हैया आए। 11 महीना 15 दिन राधा रानी बड़ी है कृष्ण से। कितनी? 11 महीना 15 दिन बड़ी है कन्हैया से। तो वो सर्वेश्वरी श्री राधा, कन्हैया बोले चिंता मत करो, सिर्फ हम ही नहीं चलेंगे, हमारो पूरो परिकर चलेगो। अब परिकर कैसे चले? बोले शाम को आके चर्चा करेंगे। तो कन्हैया को शाम को आरनो रास में और जट बिरजा सखी मिल गई। अब बिरजा सखी बोली हे प्रभु, रास तो नित्य करो, ने काजे घर में पधारो, हमू कजू सेवा कर ले, संग में श्रीदामा हो। श्रीदामा ते कही कि भाई मैं अगर जाऊं तो तू द्वार पे बैठे रहियो, अगर कोई आवे तो मुझे बता दियो। बोल ठीक है। अब यहाँ रास में जब समय देर लगी तो कन्हैया को ढूंढवावे के लिए ललता जी भेजी ने, देखो तो सही कहाँ है। अब ललता सखी गई वहाँ, बिरजा सखी के घर पहुँच गई तो लगे हो कि कन्हैया यही है, ऐसा लग रहा हो यही है। द्वार पे बैठे माकन खामते भाई श्रीदामा, सीधामा ने पूछी कन्हैया जाइए का? बोले कौन कर? ना जाना है, झूठ बोले। ललता जी ने जाके कही राधा रानी थे, राधा रानी पहुंची और राधा रानी थे भी झूठ बोल दियो कि कन्हैया यहां नहीं है। तो राधा रानी ने साफ दियो, तू हमारे गोलोक में रहे लेकिन तेरी प्रवृत्ति दुष्टन जैसी है गई है, झूठ बोले, झूठ बोलवे को काम तो दुष्टन को है, राक्षसन को है। तू राक्षसन की तरह झूठ बोल रहे हो, वो भी गोलोक में रह के? जा मैं तो गुस्साब दऊं, तू राक्षस है जा। श्री दामा को बड़ो बुरे लगे। इस संसार में सबसे बड़ा दुख जानते हो क्या है? कृष्ण वियोग। प्रियतम का मिलन न हो, कृष्ण का मिलन न हो, यह संसार का सबसे बड़ा दुख है।
हम और आप दुखी तब हो जाते हैं जब हमारे मान सम्मान की हानि होती है, धन की हानि होती है, इत्यादि थोड़ा बहुत नुकसान हो जाता है, तो हम इसमें अपना बहुत बड़ा दुख मानते हैं। लेकिन यथार्थ में संसार में सबसे बड़ा जो दुख है वो यह है, जिनके जीवन में कृष्ण प्रेम नहीं, जिनके जीवन में कृष्ण नहीं, उससे बड़ा इस संसार में दुखी कोई नहीं, वही सबसे बड़ा दुखी है, सबसे बड़ा। बहुत दुखी भाई सीतामा ने कही, सर्वेश्वरी आपको पता नहीं है कि कृष्ण को विरह कायते कहें, क्योंकि आप तो पल पल श्री कृष्ण के संग रहो ना, याली आपको पता नहीं है। तो चलो मैं आपको साप दे रहा हूं, एक दो दिन नहीं, पूरे 100 वर्ष तक तुम्हें कृष्ण को वियोग सहना होएगा, पूरे 100 वर्ष तक, ये मेरा साप है। और वो साप दियो सीतामा ने। अब कन्हैया कह रहे बिरजाते किशोरी जी आ गई बाहर, अब तेरो है गयो कल्याण और मेरो भी है गयो कल्याण। बोले अब क्या करूं, बोले तू नदी बन जा, मैं तो में समा जाऊं। झट बिरजा सखी नदी बन गई, कन्हैया में समा गए, किशोरी जी को और बुरा लगा। अरे बिरजा तू मुझसे छुपा रही है, तो नदी बनवे को बड़ो शौक है, ले तो वह साप दऊं तू भी नदी बन जा। अब तो कन्हैया प्रकट भाई हाथ जोड़े, सर्वेश्वरी क्षमा करो, ये तो सब चारों तरफ सांप को ही वातावरण बन गए, इतने सांप लग गए। किशोरी जी को दया आई, किशोरी जी कहवे लगी, बिरजा ने कही मोह क्षमा करो। बोले चिंता मत करे, तू नदी बन के ब्रज में जाएगी, तू यमुना नाम की नदी होगी, और जितनों भी ब्रज में हम लोग लीला करेंगे वो सब तेरे ही तट पे लीला करेंगे। तो जमुना के ही तट पे कन्हैया ज्यादा से ज्यादा लीला की। ये तो कलयुग के लोगों ने जमुना को दूषित कर दिया, आज जमुना जमुना नहीं रही, लेकिन कन्हैया ने सारी लीला वहीं पे करी। वाके बाद सर्वेश्वरी श्री राधा ने कन्हैया से पूछी, ये सांप इतने क्यों? तब कन्हैया बोले, राधा रानी आप चिंता मत करो, ये तो सब की सब लीला जो भई है, ये लीला भई है जो कि हमारे पात्र है ना, ये सब पात्र ब्रज में जा सके या लिए। अरे भाई आजकल लोग फिल्म नहीं बनाते, किसी भी गांव में किसी भी शहर में जाके शूटिंग करते हैं, करते कि नहीं? अब वो उसी गांव में से थोड़ी एक्टर लेते हैं, उनके एक्टर एक्ट्रेस सारे कैमरा सारे खिलाड़ी सब लोग तो वहीं से नाते हैं। कहां से? बॉम्बे से। वैसे ही जो यहां पर लीला में कन्हैया की लीला में आपको जो भी कुछ दिख रहा है ये सब गोलोक में मौजूद है। नंद बाबा भी गोलोक में है, वृषभान बाबा भी गोलोक में है, सारे पात्र वहां मौजूद है। अरे तो बोले फिर यहां काहे को आए? बोले यहां आए हमें और तुम्हें सुख देवे के लिए, यहां आए कि कलयुग के पापी लोग जब हमारी कथा सुनेंगे आनंद में खो जाएंगे, और जैसे जैसे हमारी कथा सुनेंगे उनका भी बेड़ा पार होता चला जाएगा। रसिकन की बातें रसिक बिना कोई समझ सके ना। भगवान की लीला यूं ही नहीं कहते नित्य है, वो वाकई नित्य है लीला भगवान की। तो वही सर्वेश्वरी श्री राधा एक दिन की बात, वही जो स्वच्छंद राजा हैं वृषभान जी बने और कलावती रानी कीरत बनी, बरसाने के राजा रानी हैं दोनों, इनके घर में कोई पुत्री नहीं है, पुत्री की इच्छा इनके मन में बहुत है। एक दिन की बात है, वृषभान जी महाराज प्रातः काल उठ के स्नान करवे के लिए सरोवर में जा रहे हैं, तो जब सरोवर के समीप पहुंचे तो वहां देखो एक कमल के फूल पे बहुत छोटी सी बड़ी प्यारी सी कन्या मौजूद है, इतना प्रकाश कि सूर्य को प्रकाश तो वाके आगे कछु नहीं। अब वृषभान जी भयभीत भय सोच भी लगी, ये कौन है कौन है कौन है? तब स्वयं ब्रह्मा जी प्रकट भये और ब्रह्मा जी ने कही, हे वृषभान जी तुम पूर्व काल में स्वच्छंद राजा है, तुम्हारी रानी ने ये वरदान मांगे उस सर्वेश्वरी श्री राधा से कि तुम हमारी पुत्री आके बनो, वही वरदान की पूर्ति है ये, सर्वेश्वरी श्री राधा तुम्हारे घर में पुत्री बन के आई हैं, ये भी जन्म लेके नहीं आई है, याद रखना ये भी प्रकट हुई है,
सरोवर में कमल के पुष्प पर सर्वेश्वरी श्री राधा प्रकट हुई। ब्रह्मा जी ने उनको वृषभान जी को दिया और वृषभान जी से कहा कि ये किसी को मत बताना, तुम यही कहना कि हमारी पुत्री है। और जाकर अपनी रानी को दिया और तब ब्रज में आनंद हुआ, तब ब्रज में उल्लास हुआ। बोलो राधा रानी की जय, वृषभान दुलारी की जय, कृष्ण प्यारी की जय, भक्तन रखवारी की जय। आइए हम और आप सब थोड़ी देर बधाई गाएंगे, उसके बाद आज की कथा क्रम को बढ़ाएंगे। बोलो राधे राधे, गाइए कीर्ति जी की और राधा रानी की बधाई आप लोग गाएंगे सब मिलकर, आप भी गाएं। जय राधा रावल प्रगट भई, राधा रावल प्रगट भई, जय राधा रावल प्रगट भई, जय राधा रावल प्रगट भई, जय राधा रावल प्रगट भई। सिर कटा में दूध दही,
मैया दे दे बधाई बैठकों को तो ताली बजानी पड़ेगी जोर से। वृंदावन के राजा दोनों श्याम राधिका रानी, वृंदावन के राजा दोनों श्याम राधिका रानी, करम धर्म दोनों बटत जेवरी मुक्ति जहां पे भर रही पानी, करम धर्म दोनों बटत जेवरी मुक्ति जहां पे भर रही पानी, दरिया में ब्रह्मा से ज्ञानी योगी अपी तपी सन्यासी मैं मां किनू न जानी, बलिहारे वेद पुराण लगुनिया काम सगुनिया वाणी, बलिहारे वेद पुराण लगुनिया काम सगुनिया वाणी, घर घर प्रेम भक्त की महिमा से चर व्यास बखानी, घर घर प्रेम भक्त की महिमा से चर व्यास बखानी, वृंदावन के राजा दोनों श्याम राधिका रानी, वृंदावन के राजा दोनों श्याम राधिका रानी, जय राधे राधे सर्वेश्वरी श्री राधा के प्राकट्य में जो भी लोग सम्मिलित हुए हैं, भगवान करे सर्वेश्वरी की कृपा उनके ऊपर बनी रहे और इतनी कृपा बनी रहे कि आपको इसी जीवन में मेरे श्याम का साक्षात्कार हो जाए। और ये तभी हो सकता है जब सर्वेश्वरी स्वयं ये चाह लें कि आपका भी कल्याण हो, आपको भी मोहन का दर्शन हो, कन्हैया का दर्शन हो। आज राधाष्टमी है, इसलिए हमने श्री राधा प्राकट्य की कथा आपको सुनाई। कथा क्रम याद रख करें, कल आपने श्रवण किया, थोड़े देवराज की कृपा की वजह से गिरिराज पूजन लीला कम, बहुत कम समय में सुनाई। उसके बाद जो श्री कृष्ण का एक बहुत सुंदर लीला प्रसंग है वो है महाराज एको हम बहुत श्याम, जिस लीला को समझकर या सुनकर हमारे मन में संदेह अथवा डाउट उत्पन्न होता है। हमारे भारतीय संस्कृति के अनुसार, हमारे भारतीय कल्चर के अनुसार, कोई भी पुरुष दूसरे की स्त्री का स्पर्श नहीं कर सकता। राम ने फुलफिल इन पूरी मर्यादाओं का पालन किया, लेकिन कृष्ण ने राम जी के चरित्र के ठीक उल्टा किया। राम जी ने जो जो किया कृष्ण जी ने वैसे उल्टा किया। राम जी ने कभी अपनी माँ का आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, माता पिता की आज्ञा का, और कन्हैया ने मुश्किल से कोई एक आध बात मानी हो तो ठीक है, नहीं तो सब कुछ अपनी मर्जी से किया। मैया कहते रहे चोरी मत करे, करें। मैया कहते रहे गैया चराबे अभी मत जावे, गए।
मैया ने जो जो नहीं करी कन्हैया ने वही सब करे। ये अपने कृष्ण का अपना अलग स्टाइल है, वो एकदम स्टाइलिश एकदम। लेकिन व्हाट इज अ टारगेट, उनका लक्ष्य क्या था? इसीलिए राम को समझना आसान है, कृष्ण को समझना आसान नहीं है। कृष्ण इतनी आसानी से समझे नहीं जा सकते, वो जगत गुरु है, जगत गुरु को समझना आसान है, वो सबका पिता है, इतना आसान है। युद्ध भूमि में से कालियावन के भय से वो रण छोड़कर भाग जाते हैं और वैसे आतताई कंस को बस हंसी हंसी में मार देते हैं, पूतना को कालकूट विष पिलाने वाली को मार देते, दावानल अग्नि को पान कर जाते हैं। एक तरफ वो कायरता का प्रदर्शन करते हैं और दूसरी तरफ वो वीरता का भी प्रदर्शन करते हैं। कृष्ण को समझना इट्स नॉट इजी जॉब माय डियर, इट्स नॉट इजी जॉब, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट। इतना डिफिकल्ट है उसे समझना। एक तरफ आप कहते हो अभी अभी ये किया, जस्ट सेकंड उनके अपोजिट कर देते हैं। महाभारत का युद्ध में गीता का उपदेश देने वाला ब्रज में माखन कैसे चुरा सकता है? माखन चुरा रहा है। वो सर्वगुण संपन्न है कृष्ण, चोरी करवा लो, झूठ बोलवा लो, मटकी फुड़वा लो, रुक्मणी का हरण करवा लो, गीता का उपदेश करवा लो, इतनी बड़ी सेना में अकेले जाकर विजय करवा लो, जो चाहे करवा लो, ये उसका रूल है। और इन सब के पीछे एक लक्ष्य है, धर्म की रक्षा। अगर झूठ बोलकर धर्म की रक्षा होती है तो बोलूंगा, गीता का उपदेश देकर अगर धर्म की रक्षा होती है तो गीता का उपदेश दूंगा। अगर पांडवों के विनाश से धर्म की रक्षा होती है, कौरवों के विनाश से, तो कौरवों का विनाश करवाऊंगा, पांडवों की विजय करवाऊंगा। पांडवों में भी विनाशकारी कम नहीं हुआ, उनके भी घर के लोग कितने अभिमन्यु जैसा योद्धा गया, भीम के पुत्र धर्मराज सब गए, लेकिन पांचों को बचा के रखा। विनाश तो कौरव पांडव सेना में भी हुआ है, हुआ है कि नहीं बोलिए। वही कृष्ण गोपियों के साथ में रास रचाते हैं और यही प्रकरण बड़ा विचित्र है। हमारे कोई अन्य विधर्मी लोग हमारे धर्म पर उंगली नहीं उठाते, हमारे ही धर्म के लोग हम पे उंगली उठाते हैं और सबसे ज्यादा कृष्ण पे। कृष्ण रास रचाते थे, अरे वो बेशरम आदमी पहले कृष्ण को जान तो ले। कृष्ण जहर भी पीते थे, तू पी के देखा। कृष्ण अग्नि का भी पान करते थे, तू भी अग्नि का पान करके देखा। कृष्ण जमुना में कूद कर कालिए नाग को नाथ लाए, तू या तालाब में कुआं में कूद के दिखा दे, माते दो श्याम पकड़ ला। अरे कछु तो करो कृष्ण जैसो। गिरिराज पर्वत 7 दिन 7 रात्रि अपनी कन्नी उंगली पर उठाते हैं, 7 दिन 7 रात्रि, तू 7 किलो ही उठा के दिखा दे यहां पे, 7 घंटा। 7 दिन छोड़ 7 रात्रि छोड़, सिर्फ 7 घंटे इस पे 7 किलो वजन उठा दे, उठाएगा? 7 करोड़ भी देगा ना, डॉक्टर दोबारा नहीं लगा सकेगा फिर इसे, ये धर के अचार बना खा लिया को। अरे मीट खाने वाले तो खाई सकते हैं, भगवान की पूजा असर नहीं करती। एक तरफ चरणामृत भी ले लेता है, दूसरी तरफ मदिरालय भी ले लेता है, एक तरफ भगवान का प्रसाद भी ले लेता है, दूसरी तरफ जाके जरा पकौड़े सेक दियो, तेरे मार खींच के बाप रो आदमी। दो दो नाव में पैर रखने वाला आदमी डूबेगा नहीं तो क्या होगा? एक नाव में चढ़ जाना, कम से कम नरक में तो इकट्ठा जाइयो, डूब जाए दो दो नाव, गलत क्यों करते हो? चरणामृत ले लिया तो मदिरा मत लो, भगवान का प्रसाद लेने की आदत बना ली है तो ये गंदी गंदी चीजें मत खाओ। तकलीफ तब होती है जब बड़े बड़े घरानों में भी उल्टी उल्टी सीधे चीजें खाते हैं। अरे राम राम राम, काय के बड़े हो,
लोग पैसे से बड़े नहीं होते, लोग अपने कर्म से बड़े होते हैं। जो किसी को सुख दे सके वो बड़ा, और जो किसी को दुख देता हो वो सबसे छोटा। हाँ, ताली तो ऐसे बजा रहे हो जैसे सबने सुख ही बांटे डोल रहे हो तुम, बड़े बनने के चक्कर में ताली बजा रहे हो। राधे राधे बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा, ठीक है ना। कृष्ण क्योंकि वो पूरा परमात्मा है, कृष्णत्व भगवान स्वयं, स्वयं श्री कृष्ण भगवान है। राम जी ने कभी नहीं कहा मैं भगवान हूं, कृष्ण ने कहा मैं भगवान हूं, गीता में भी कहा है मैं भगवान हूं। क्यों कहा? क्योंकि वो है। हेलो, यहां पर जितनी स्त्रियां बैठी हैं, अगर कोई तुम्हारे पिताजी तुम्हारा हाथ पकड़ कर नृत्य करें, अच्छी बात है कि बुरी बात है? बोलना जोर से बोलिए, तुम्हारे पिताजी, इट मींस योर फादर, इफ डांसिंग विद यू इट्स रॉन्ग, इज इट रॉन्ग माय डियर? बता दो, गलत है कि नहीं? पति तुम्हारा हाथ पकड़ के नाचे, गलत है क्या? जवाब तो दे दो। बेटा तुम्हारा हाथ पकड़ के नाचे, गलत है क्या? भैया तुम्हारा हाथ पकड़ के नाचे, गलत है क्या? कुछ तो बोल दे, हैं? गलत है? नहीं है ना? तो गोपियों के भगवान कुछ तो होंगे, चाहे पति चाहे पिता चाहे पुत्र चाहे भाई। और अगर कृष्ण उनका हाथ पकड़ के नाचते हैं तो तेरे जलन क्यों हो रही भाई कम्मकत? तेरे बाप का क्या ले लिया उसने? कृष्ण कौन है? कृष्णम वंदे जगत गुरुम, तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु चषका तुमेव, तुमेव विद्या द्रवणम तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव तुमेव सर्वम। सर्वम मीन्स वॉट? यू आर माई एवरीथिंग, और एवरीथिंग मीन्स यू आर माई हस्बैंड, यू आर माई फादर, यू आर माई ब्रदर, यू आर माई सन, यू आर माई एवरीथिंग। तो भाई अपने रिश्तेदार ने के हाथ पकड़ पे में रोक रो तू तो है? किसी कमखत ने बॉलीवुड में एक पिक्चर बनाई, उसमें लिखा कृष्ण करे तो रासलीला, हम करें तो करेक्टर ढीला। ये सही बात है कि तू करे तो करेक्टर ढीला ही है, क्योंकि वो भगवान है इसलिए रासलीला कर सकता है, तू नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान सबका पति है, तू सबका पति नहीं है, तू सबका पति नहीं है। दुर्भाग्य इस देश का है जब ऐसे ऐसे गंदे गाने गाने वाले, नाचने खाने वाले, बुरी हरकतें सिखाने वाले, ये जब हमारे यंग नौजवानों की जब रोल मॉडल बन जाते हैं तो बता दो देश कहां जाएगा? ये रोल मॉडल बनने लायक है क्या? रोल मॉडल बनाना है तो ध्रुव को बनाओ, मीरा को बनाओ, तुलसी को बनाओ, प्रहलाद को बनाओ, और न जाने कितने भक्त हैं उनमें से कोई एक रोल मॉडल बना लो। ये तो मर जाए, इनका बुढ़ापा बड़ा खराब होता है इनका, तुम्हारे रोल मॉडलों का। बुढ़ापे में पे लड़ाई होती है, बंगलो कौन लेगा? हाँ, होती है कि नहीं? ले ले सुपर स्टार, सुपर भी गयो और स्टार भी गयो। अरे इन सबका बाप है मेरा कन्हैया, न जाने कितने पैदा कर दिए और कितने बुला लिए, कितने खत्म कर दिए, कितने गायब है गए, लेकिन आज तक सुपरस्टार का बाप जिंदा है। कन्हैया की लीला आज भी सुपर डुपर डुपर सुपर सुपर डुपर हिट है कि नहीं? 5240 साल हो गए हैं और आज भी हिट है कि नहीं? भागवत बताना, नहीं है? क्या करने आए हो? पैसा काउंट करने आए हो? किस लिए आए हो? कथा सुनने? इसका मतलब आज भी हिट है? क्यों हिट है? क्योंकि ये एक साधारण कथा नहीं है। आज भी सुन ले दिल से तो ऐसा लगता है जैसे कृष्ण मेरा ही तो है, मैं ही तो गोपी हूं, वो मेरा है, मैं उसकी हूं। ये आज भी बदला नहीं है। मन से कथा सुनने वाला इंसान आज भी कन्हैया की गोपी बन जाता है। बोलो राधे राधे। अरे हम तो तुम्हें तुम्हारे हिसाब से समझा रहे हैं। एक बात बताओ,
छह सात साल को बालक, नौ साल को बालक कितनी छोरी के संग नाच सके? आप भाई कितनी छोरी के संग नाच लेगो तू? ए पिंक टी शर्ट, हाँ बता, तोते पूछ रहा हूं, कितनी छोरी के संग नाच सके तू? बैठ जा। छह सात साल का बालक, दस साल का बालक कितनी छोरी के संग नाच लेगो? दो, चार, पांच। और वो कृष्ण जब रास करते हैं तो 6.5 साल उनकी उम्र है और अनकाउंटेबल गोपियों के साथ में रास करते हैं, अनकाउंटेबल जो गिनी न जा सके, जिनकी गिनती नहीं हो सकती, इतने गोपियों के साथ कृष्ण। क्यों? क्योंकि कृष्ण इंसान नहीं, भगवान है। तुम्हारे अंदर क्या आत्मा है? आत्मा जो है वो किसकी दासी है? वो किसका अनुराग है? वो किसका अनुराग चाहती है? ये जो तुम्हारा शरीर है, ये जो तुम्हारा मन है ना, दुनिया में भटक रहा है, लेकिन तुम्हारी आत्मा दिल से चाहती है एन केन प्रकारेण किसी भी तरह से प्रियतम के समीप पहुंच जाए। प्रियतम बोले तो कौन? प्रियतम बोले तो कन्हैया। और उस कृष्ण को पाने के लिए हमारे मन में जो, दिल में जो दर्द है वो छोटा नहीं, वो बड़ा है। योगी कौन, त्यागी कौन, परमात्मा को प्रिय कौन? बोले जो माता पिता काम धंधा छोरी छोरा बहू बेटा सबन ने छोड़ के अपने भगवान के चरणों में चित्त लगा ले, वो सबसे बड़ा भगवान का प्रिय है। हाँ या ना? हाँ या ना? तो गोपियों ने तो यही तो किया था, सास ससुर छोड़ दिए। बोले आसान है, हर बहू चाहती है सास ससुर छूट जाए, ये भी कोई बड़ी बात? बोले पति छोड़ दिए। बोले कई कलेशी पति होते हैं, जब घर में घुसे वो लड़ते ही शुरू में, तो ऐसे इनते तो वो देवी भी चामे आते, फंद छूट है, छोड़ दिया क्या बात है? बोले भैया वगैरह सब, अरे सब छोड़ जाए ये कोई बड़ी बात नहीं? फिर बोले एक स्थिति बहुत कठिन होती है स्त्री के लिए। क्या? बोले अपने बच्चों को छोड़ के जाना। होती है कि नहीं? जवाब दीजिए। सबसे कठिन परिस्थिति स्त्री के लिए है कि वो अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकती, वो सबको छोड़ सकती है, अपने बच्चों को नहीं। और गोपियों ने धन धाम भी छोड़ा, सास ससुर भी छोड़े, पति भी छोड़े, अपने बाल गोपाल भी छोड़े। किसके लिए? बोलिए किसके लिए? मैं देखूं जिस ओर सखीरी सामने मेरे सांवरिया, सोते जागते उठते बैठते हर जगह सिर्फ कृष्ण, सिर्फ कृष्ण नजर आते हैं। गैयान गए आ गए, अगर भूस डारवे गई, सानी करवे गई, अथवा चारो डारवे गई, तो गैयान के काम करते करते भी गैया चरावे वारो कन्हैया सामने नजर आवे, टेढ़ी टांग करके मई मुस्कुराम तो मिले। हमारे ब्रज में गाय वो भजन गाते हैं, अब न चराऊं तो पे गैया रे जसुदा के कन्हैया, कबऊ तो आवे सांझ सवेरे, कबऊ तो आवे आदि रतिया रे जसुदा के कन्हैया। इसका मतलब गोपियों का गाय का दूध भी निकाल देते कृष्ण? बोले बिल्कुल, वो सब कुछ करते हैं जो प्रेमी चाहते हैं। तुम क्या चाहते हो भगवान से? बोलो जोर से, बोलो क्या चाहते हो तुम? हैं? वो मुझे मिल जाए, ये चाहते हो कि नहीं? अब तुम तो ये नहीं चाहोगे कि वो मेरी सेवा करे, लेकिन तुम ये तो चाहोगे कि वो, हम उसकी सेवा करें, चाहोगे कि नहीं? लेकिन आज तक तुम्हें सेवा का मौका मिला है? क्यों? क्योंकि अभी भी हम गोपियों की तरह परपक्व नहीं, उनकी तरह हम सच्चे नहीं है, हमारे अंदर इतनी कमियां हैं और जानबूझकर हम अपनी कमियों को देखना नहीं चाहते, उन्हें अवॉइड कर रहे हैं। मैं देखूं जिस ओर सखीरी, मैं देखूं जिस ओर सखीरी सामने मेरे सांवरिया, सामने मेरे सांवरिया।
मैं तो नाचूंगी सांवरिया, मैं तो नाचूंगी सांवरिया, हो मैं देखूं जिस ओर सखी, मैं देखूं जिस ओर सखी, मैं देखूं जिस
चले जाऊंगा फिर का करे हो ले ली झुंझुन अब बजाऊ तेरे घर पे ऐसे नहीं बोल देगा बोलवंशी वाले की जय। ग्वालियर को पानी ठंडो है हाँ अब वो तो आनंद नहीं है उतना ही ठंडो है ना बेटा अब देख हम बुलवाएंगे अब देखियो बुलवाऊ हाँ परले आ गई अब सुन बोलवंशी वाले की जय। अब बता ऐमे मारो करे भूस में लट्ठे आजा आनंद ले चलो कथा सुनो गोपी कौन है जो सिर्फ कृष्ण की है किसी और की नहीं जो सिर्फ कृष्ण का चिंतन करती है कृष्ण को सुनती है कृष्ण को देखती है जिसके जीवन में कृष्ण को छोड़कर कोई दूसरा विषय ही नहीं है। हम और आप सच्चे अनुरागी इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि हमने अपने मन को विषयुक्त कर रखा है ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी चाहिए वो भी चाहिए न जाने सब कुछ चाहिए इसलिए हम गोपी नहीं बन पाते। क्यों? क्योंकि हमारा मन दूषित हो चुका है। गोपियों का मन शुद्ध है। श्री कृष्ण ने जब बांसुरी बजाई मध्य रात्रि का समय था और कन्हैया ने जब बांसुरी बजाई
रात्रि के समय शरद पूर्णिमा को दिन है। भगवान पिता रात्रि शरदो तो फुल्ले मल्ले कहा, ये लीला किसकी है? बोले भगवान की। शरद पूर्णिमा के दिन की बात है। कृष्ण बांसुरी बजाते हैं और जा जा गोपी ने बांसुरी की धुन सुनी वो दौड़ पड़े। कोई न कोई अंश तुम्हारे अंदर भी है गोपी का। अब आप कहेंगे कैसे महाराज? जब जब आपको पता चलता है, पिछली बार में मार्च में आया था तब आपको पता चला कन्हैया की कथा है, आप लोग दौड़े चले आए। अभी अब तो सितंबर लग गया, टुडे इज 2nd September राइट? अब भी दौड़े चले आए और अगली बार जब फरवरी में आऊंगा तब भी दौड़े चले आओगे। ताली मत बजाओ, इसके पीछे राज है वो बता रहा हूं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं गोपी तुम भी हो, बस वो थोड़ी और बड़ी हो जाए, वो भावना और बलवती हो जाए, वो भावना पूर्णतः तुम पर सवार हो जाए, उसके अलावा तुम्हें कुछ और भाए ही ना। वो सिर्फ कृष्ण, जो मैं अभी कह रहा था, मैं देखूं जिस ओर सखीरी। मेरे को कई लोग मिले तो वो बोलते महाराज सपने में भी आपकी कथा सुनते हैं, रात को आपकी कथा देखकर सोते हैं, इंतजार करते हैं कथा कब आए, कई दिनों महीनों से कथा नहीं आई, तड़प रहे हैं जल्दी से 5 सितंबर आ जाए जिससे लाइव टेलीकास्ट हो और हम देखें वो क्या है। वो पिपासा है, वो चाहत है। इसी दुनिया में, इसी संसार में लोग चाहते हैं मैं पैसा कमाऊं, और वहीं पर कोई सच्चा व्यक्ति चाहता है कि मैं ठाकुर जी की कथा में दीवाना हो जाऊं, मैं ठाकुर की कथा में जाऊं। कितना आनंद है। तो गोपी का अंश आप में भी मौजूद है, कहीं ना कहीं मौजूद है आप में, लेकिन उसे स्ट्रांग करना, उसे और मजबूत करना है। छोरा है दूध पिवाम तो वह छोड़ गई, हिम्मत चाहिए मेरे भाई बहन। ये माताएं ज्यादा अच्छा जानेंगे आपसे, ज्यादा स्त्री सबसे ज्यादा सुखी होती है जब भूखे बच्चे को अपना खुद का दूध पिलाती है, सुकून मिलता है उसे, परफेक्टनेस है। यह माँ की ममता का पूर्ण समर्पण है। आजकल की आर्टिफिशियल ममता है, बोतल पिलाने वाली मम्मी यहाँ वो परफेक्ट नहीं है। अगर आप बोतल का दूध पिलाती हो इट मींस यू आर नॉट परफेक्ट। माँ जो अमृतमय दूध पिलाए, किसी की प्रॉब्लम हो, कोई डॉक्टरी प्रॉब्लम होती है तो वो एक अलग विषय है, वो अलग चैप्टर है। अब पहले कुश्ती करो, करो देखेंगे तेरी माँ ने कितना दूध पिवाया। आजकल लोग कहते हैं देखेंगे तेरी माँ ने कितने दूध बोतल को दूध पिवाया। आजकल तो बच्चे यही कहते हैं, आज देख तेरी माँ ने तो कितनी बोतल दूध पिवाया, आ जा। क्यों? बच्चों को भी पता है, ऐसे नहीं, तुम्हारे ही दूध की गरमा है, राइट? एक माँ जब अपने बच्चे को दूध पिला रही हो उस समय अगर उस माँ को कोई बुलाए तो माँ जाना पसंद नहीं करती, बोली हाँ या ना। माताएं ज्यादा अच्छा बता सकती हैं बजाय पुरुषों के। पुरुष तो उस समय भी डाउन, अरे ऐसा क्या कर रही है, बाद में पिवा लियो, दूध ही तो पिवा रही है, कौन सा अमृत ले आई ऊपर से, रोटी बना दे जाना काम पे। उस समय माँ भी उस पति को मन ही मन में तो दे लेती होगी अगर न चलती हो तो फ्रंट पे, मन मन में तो खूब जी मड़े हो मेरे भाग्य में, और न भगवान तो दी कि ना मेरी इतनी किस्मत फूट गई। नहीं होता है ना, क्यों? बोले माँ के लिए बच्चे से ज्यादा कोई महत्वपूर्ण नहीं, कोई भी नहीं, इवन पति भी नहीं। और ये पति लोग डिसाइड करें, अनुभव करें, एक्सपीरियंस करें, जब तक कोई औलाद नहीं होती तब तक तुम्हें स्त्री का पूर्ण प्रेम मिलता है, और जैसे ही कोई औलाद होती है उसका प्यार डिवाइड हो जाता है, कुछ तेरी तरफ कुछ बच्चे की तरफ। आई हैव एक्सपीरियंस भाई, आई एम ऑल्सो मैरिड।
अब ये बात कोई सन्यासी कहे तो आपको अजीब लगनी चाहिए, मैं तो गृहस्थी हूं, बालक हैं, भगवान ही कर पाते, तो बढ़िया है ना। डिवाइड होना है, हमारी माँ भी तो है, हमारी माँ ने भी तो हमें पाला है, लेकिन वो ब्रज की गोपी अपने बच्चों को भी दूध पिलाते को छोड़कर, यह है सबसे बड़ा त्याग। बच्चे को दूध पिलाता हुआ छोड़कर उसे और चली कृष्ण से मिलने, इसका मतलब जानते हो, गोपी सिखाती हैं, जब तू हर बंधन को तोड़ने के लिए तैयार हो जाए बिना ये सोचे कि इसका परिणाम अच्छा होगा या बुरा, तब कृष्ण तुझसे मिलने के लिए तैयार होता है, तब मिलता है कृष्ण। पति पुत्र संसार की मर्यादाएं सब छोड़कर गोपियां चली श्री कृष्ण से मिलने के लिए। कृष्ण ने उनका स्वागत किया, स्वागतम वो महाभाग प्रियम एव करवाणी वह ब्रजस्यानामयम कचेत ब्रूता गवन कारणम। वेलकम वेलकम टू ऑल ऑफ यू, पर व्हाई आर यू कमिंग हियर। ये देखो वेलकम करने का स्टाइल गजब का है ठाकुर जी का, स्वागत करने का स्टाइल गजब का है, कह रहे हैं तुम्हारा स्वागत है पर तुम आई जो, है ना स्वागत बढ़िया है कि नहीं बढ़िया, बोले तुम्हारा स्वागत तो है पर यूं बताओ तुम आई जो रात में, तुम किसी के घर जाओ और वो पूछ ले वेलकम पर क्यों आए हो, अच्छा लगेगा है बुरा, दोबारा जाओगे उसके यहां। गोपी कह रही हैं जहाँ हमारे आई हैं तुम आए बिना मन ना लगे, तुम्हारी बांसुरी के धुन ने हम पागल कर दें, अब घर में मन नहीं लगे, अब तो तुम ही दिखो तुम ही दिखो तुम ही दिखो, सपने में तू है, नजरों में तू है, दिल में भी तू है, विचारों में तू है, कर्म में भी तू है, हृदय में भी तू है, जिधर देखते हैं उधर तू ही तू है। दिल दिमाग विचार वाणी श्रवण हृदय हर जगह, You are everywhere. तुम हर जगह मौजूद हो, क्या करें? तेरे बगैर संवरिया जिया नहीं जाए, तू आके बाह पकड़ ले तो कोई बात बने। अब तुम्हारे से तुमसे बाह पकड़ाने के लिए आए, पकड़ी जी रे, एक कड़ी गुनगुनाई जरा, एक सिर्फ, ज्यादा नहीं, कोई भी खड़ा नहीं होगा, बैठे बैठे ही सिर्फ दोनों हाथ जोड़े और विनम्र प्रार्थना करें। तेरे बगैर सवैया जिया अदा तुम्हारे
जिया महाराज। कन्हैया ने यहां पर बहुत बड़ा उपदेश सिर्फ महाभारत में नहीं देते उपदेश, यहां भी दिया। हे गोपियों, तुम नहीं जानती हो स्त्री के लिए पति ही सर्वस्व होता है। जो स्त्री अपने पति को सर्वस्व मानती है उसे कुछ और करने की जरूरत ही नहीं, पति ही परमात्मा है। अब पति चाहे अंधा हो, बहड़ा हो, लंगड़ा हो, कोड़ी हो, क्रोधी हो, चाहे जैसा हो, पति जाए चाहे जैसा भी हो, लेकिन पति की सेवा ही स्त्री के लिए परमोधर्म है। और जो स्त्री अपने पति की सेवा करती है उसके आगे बड़े बड़े देवी देवता भी नतमस्तक हो जाते हैं। सब भैया लोग ताली बजा रहे हैं, ध्यान से सुनना महाराज। ऐसी कथा आपने शुरू से क्यों नहीं सुनाई, कुछ हमारे भी फल मिलते, हमें भी है दक्षिणा तो जिजमान ने दई है, तैन थोड़ी दई है। तो हम तो वैसी कथा सुनाएंगे जो जिजमान पसंद है। तो पसंद आवे तो, ना आवे तो, हमारे कपड़न पे कोई दाग लगे वारो ना है। हम तो वो सुनाएंगे जो जिजमान लाइक करे। कांगे जिजमान जी यहाँ ये बैठे, ठीक है ना भाई, मन लग रहा हो कि ना है? पक्को चकाचक बस, तो और क्या, तुम लगते आगे बैठ गए तुम्हारों का। सुनिए श्री कृष्ण कहते हैं, देखिए कृष्ण ने उपदेश दिया और जिस समय उपदेश दिया उस समय कृष्ण की उम्र है 6.5 साल। कितनी जोर से बोली, आज 6.5 साल का बच्चा कुछ उपदेश दे सकता है? आजकल के बच्चों की कोई गारंटी नहीं, वो कुछ भी कर सकता है, कंप्यूटराइज है, कोई भी गारंटी नहीं कि आज का बच्चा क्या कर बैठे। लेकिन फिर भी 6.5 साल के श्री कृष्ण गोपियों से कह रहे हैं, अरे गोपियों जाओ अपने अपने पति की सेवा करो। गोपियों ने प्रश्न किया, महाराज पति कौन सा, असली कि नकली? मतलब पति भी दो होते हैं? बोले हाँ होते हैं। सुनो मैं आपको सुनाती हूं, सुनाने लगी। एक ब्राह्मणी थी, अपने पति की बड़ी सेवा किया करती थी, बड़ी धर्मनिष्ठ थी वो देवी। पति के चरण दबाकर सोती थी, पति का मुख देखकर उठती थी, पति को जल पिलाकर जल पीती थी, पति को भोजन करा के भोजन करती थी। हर दम पति की सेवा में 24 घंटे लिप्त रहती थी। एक दिन पति बोले, देवी मुझे धन कमाने के लिए परदेश जाना पड़ेगा। देवी बोली, अगर आप परदेश चले गए तो मेरे धर्म का क्या होगा, मेरे नियम का क्या होगा? देवता बोले, चिंता मत करो, मैं माटी का पति बना के तुम्हें दे जाऊंगा। जितनी सेवा तुम मेरी करती हो उतनी तुम माटी के पति की सेवा करना, तुम्हारा नियम जस का तस बना रहेगा। वक्त गया, पंडित जी को धन कमा कर आए, और जब धन कमा कर आए तो उस समय की सिचुएशन बड़ी थोड़ी सी सरकमस्टांसेस कुछ अजीब हो गए। क्या बोले, जिस समय पति देव लौट कर आए उस समय देवी जी दरवाजा बंद करके अपने मिट्टी के पति की पूजा कर रही थी। लिसन टू मी अटेंटिवली प्लीज, एकदम ध्यान से सुनना। जिस समय पतिदेव आए उस समय देवी जी दरवाजा बंद करके मिट्टी के पति की पूजा कर रही थी। और हमारे यहाँ पर ऐसा नियम है, सनातन धर्म में ऐसी मर्यादा है कि पूजा अधूरी नहीं छोड़ी जाती। पतिदेव ने नॉक किया, दरवाजा खोलो, मैं आ गया। रूल इज दैट दरवाजा नहीं खुलेगा, क्यों, पूजा भी चालू है। अधूरी पूजा छोड़ना पाप है,
आजकल की तरह थोड़ी मोबाइल भी लेके बैठे हैं, ओम जय जगदीश, अरे हेलो, कॉल मी लेटर, कॉल मी लेटर, मात पिता तुम मेरे, हेलो अर्जेंट है, एक्सक्यूज मी गॉड प्लीज स्टॉप। हाँ भैया, अरे यार वो तेरी दुकान में इतने सामान लाए और वो खराब निकले और तू और मामा ओम जय जगदीश अरे कर रहा है, और ठीक है तो दूसरा बदल ले जा, मेरी पूजा में चुप, तू दिक्कत पैदा कर रहा भैया। नहीं 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 यार तुम्हारी दुकान अब मैं, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके, अच्छा अच्छा ठीक है, चार घंटा बातें बात करता रहो, भगवान कह रहे तू शुरू कर, माता पिता तक पहुंचो, शरण पढ़ू तो रह गई, बस शरण तो पढ़ जा, बाद में सुन लियो, मैं या चक्कर में बैठे हूँ कि तू शरण पढ़े तो बात काम कंप्लीट हो, और तू शरण पढ़ो नहीं हलो में लग गो, हाँ या ना, ये पूजा नहीं है, ये मतलब है। पर भगवान ऐसी पूजा से प्रसन्न नहीं होते, कभी नहीं। हमारी पूजा का नियम है कि पूजा अधूरी नहीं छूटनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, और हमारा इतिहास गवाह है, हमारे यहां तो यज्ञ करने वालों का भी वध कर दिया गया, तब भी यज्ञ रोकी नहीं गई, याद है कि नहीं, सती के पिताजी का नाम यक्ष है, दक्ष दक्ष सॉरी, हाँ थोड़ा जोश में हो जाता है, क्षय तो है ही बाद में, दक्ष हो चाहे यक्ष हो, दक्ष है, सर कट गया था, वीरभद्र ने सर काट दिया शंकर जी के पुत्र ने, अब यज्ञ अधूरा रह जाएगा, अब यज्ञ पूरा नहीं होगा तो ठीक नहीं, बकरे का सर लगा दिया, बोले अब यज्ञ पूरा करवा, इसलिए यज्ञ पूजा अधूरी नहीं छोड़ी जाती, पूजा हमेशा कंप्लीट होनी चाहिए, चाहे दुनिया में कितना भी, अरे तू जिसकी पूजा कर रहा उस पर यकीन नहीं करता है क्या, ये हलो छोड़, पूजा में लगा रहा है, अगर पूजा में लगा रहा तो सामने से ऑफर मिल जाएगी, 5 करोड़ का प्रोजेक्ट है, करना है क्या, क्यों, देने वाला मेरा ठाकुर जी है, दुनिया में तुझे और कोई नहीं देता। फर्स्ट यू बिलीव इन गॉड, फर्स्ट यू बिलीव इन योर रिलीजन 100%, नॉट 50-50, 50-50 वाले तो गड़बड़ होता है, 100% होना चाहिए विश्वास, 100%। तो मेरे भाई बहन, अगर वो पूजा अधूरी छोड़े मिट्टी के पति की तो भी पतिव्रत धर्म गया, और अगर वो पूजा करती रहे तो सच्चा पति दरवाजे पे खड़ा है तो भी धर्म गया। गोपियों ने प्रश्न किया, महाराज बताओ बाको, तो दोनों स्थिति में धर्म गयो, मट्टी पूज ले चाहे बस सच्चे पूज ले, का करें। भगवान बोले, देवी तुम बड़ी गोपी हो, बहुत भोली वाली हो, ब्रज की हो ना, भोली हो, क्यों, अरे बोले जब तक सांचो पति ना हो तब तक मट्टी के पति की पूजा कर, वो मजबूरी हो तो कर ली, जब सच्चो पति आ गए तो मिट्टी के पति की पूजा क्यों कर रही है, दरवाजे खोले और बची भाई पूजा वहां शुरू कर दे। जट गोपियां ताली बजा कर नाचने लगी, गाने लगी, महाराज आनंद आ गया। भगवान बोले कहा वे हो, बोले सही वे हो महाराज, कहा, बोले महाराज जब तक तुम हमें असली पति ना मिले तब तक इन नकली की सेवा करती रही, मिट्टी के पति की सेवा करती रही, जब आप हमें सच्चे पति मिल गए तो फिर मिट्टी के पति की सेवा का करें, राधे राधे बोलना पड़ेगा। मैं US में कथा कर रहा था अभी, तो मैंने ये कथा सुनाई तो एक देवी के हस्बैंड बोले, सुना महाराज जी ने क्या कहा, पति ही पति ही परमात्मा है, इसलिए पति की पूजा किया करो, हमारी बात तुम सुनती नहीं हो। सेकंडली वो पत्नी बोली, सुना आप मिट्टी के हो, मैं तो असली की सुनती हूं, तो ग्वालियर वालों तैयार हो जाओ बेटा, अब तो तेरी घरवारी काकेगी हैं, और वैसे भी हैं तो हम मिट्टी के ही ना, हे माटी के पुतले एक दिन माटी में मिल जाएगा, मुट्ठी बांधे आया जग में हाथ पसारे जाएगा, नथिंग इज योर हैंड, यू विल गो टू एम्प्टी हैंड्स, राइट, हाँ या ना, कुछ जाएगा तेरे साथ, फिर भी हाय माया, अरे इतनी कमाई कर ले जो घर भी चले, परिवार भी चले, रिश्तेदार और ऐसे उत्सव होते रहें, और हाँ पैसा अगर हो तो ऐसे उत्सव कराना कभी मत भूलना, यही सही यूज है, यही राइट चॉइस है माय डियर,
क्यों? ये धन है जो वहां भी तेरे साथ जाएगा, जजमान को जितनो भी लगे हो या के सौ गुनों मिलेगा, ऊपर जाके चकाचक स्वर्ग में जाके आनंद लियो। हाँ बढ़िया फर्स्ट क्लास, पर माला जोड़ी वहां ले लियो मिल जाए तो। बोले भजऊ भजन करन दो। गोपिन का इतना प्रेम देखकर कन्हैया ने रास के लिए तैयार हुए और रास करने लगे, लेकिन गोपियों को मध्य में अभिमान हुआ और उस अभिमान की वजह से श्री कृष्ण उनको छोड़कर गए। उसी अभिमान की वजह से सर ढके गोपी गीत का पाठ श्रवण करें। जितने भी लोग हैं मैं ये गोपी गीत का पाठ कर रहा हूं, आप लोग बोल सकें तो बोलें, नहीं तो सिर्फ श्रवण करें। श्रवण करने का भी बहुत बड़ा फल है, वो श्रवण करते रहे, सर ढक लेंगे सब। भावना यही रखें कि हम भी तो गोपी हैं, कृष्ण हमसे भी तो दूर हैं, और अगर कृष्ण हमसे दूर हैं तो हमें भी कृष्ण को मनाने के लिए गोपी गीत का पाठ करना चाहिए। सभी लोग नीचे से थोड़ा सा जयति ते धिकम जन्मना ब्रज श्रयते इंदिरा शाश्वतत्रहि दयते द्रश्यता देना श्री करा
हर वीर यो सीता निज जन स्मय त्वां सने स्मिता भज सखे भवन श्यता कुटिल कुंतलम श्रीमुख
मुखं च ते जड उदेक्षतां पक्षं कृतं दृशां पते सुतान्वया यते सुजात चरणां बुरहं स्तने सुभीता सने प्रिय ददमहि कर्क सेशु तेनाटवीट मटसि तदव्यथतेन केश्वित पूर्वाद ब्रह्मति दीर्वदायुसाना जयति तेधिकं जन्मना व्रज श्रयेते इंदिरा सास्वदत्रहि दयते द्रश्यतां दीक्षुतावता त्वयि धृता स्वां विचिन्वते त्वां विचिन्वते त्वां विचिन्वते। सभी बोलेंगे राधे राधे। आप सबको पूर्ण गोपी गीत सुनने का सौभाग्य मिला है ग्वालियर में। गोपी गीत कृष्ण की याद में विरह में गाया हुआ सुंदर गोपियों के मुख से ये बहुत प्यारा गोपी गीत है। गोपियां कहती हैं कृष्ण मधुसूदन हम तुम्हारे बिना मोल की दासी हैं, हम मन से चित्त से अनुराग तुम्हारे श्री चरणों में है और हम तुम्हारी सेवा करना चाहती हैं, हमें कुछ और नहीं चाहिए तुमसे। ये ही गोपियों की इच्छा है। वो भगवान से दौलत नहीं मांगती हैं, वो भगवान से परिवार नहीं मांगती हैं, वो भगवान से धन धान्य नहीं मांगती हैं, पद प्रतिष्ठा नहीं मांगती हैं। वो गोपियां भगवान से सिर्फ भगवान की सेवा मांगती हैं। हमें तुमसे बस तुम्हारी सेवा चाहिए। एक और बात बताता चलूं, भगवान सब कुछ आसानी से देता है लेकिन अपनी सेवा आसानी से नहीं देता है, बिल्कुल भी नहीं। इस दुनिया में भगवान से मांगने वालों की संख्या कितनी है आप गिन नहीं सकते, लेकिन भगवान की सेवा करने वालों की संख्या कितनी है आप गिन सकते हो, आप गिन सकते हो। क्यों? क्योंकि भगवान सबको सब देता है लेकिन अपनी सेवा किसी को नहीं देता। सेवा वो सिर्फ अपने क्लोज जो होते हैं। आपके द्वार पर कोई आपका मेहमान बहुत बड़ा व्यक्ति आ रहा हो तो आप उसे लेने या तो खुद जाएंगे या जो आपका बहुत क्लोज जिम्मेदार हो उसे भेजेंगे। यही भगवान की लीला है।
भगवान सबसे सेवा नहीं लेते, भगवान उसी से सेवा लेते हैं जो भगवान के बहुत क्लोज हो, उसी से अपनी सेवा करवाना स्वीकार करते हैं। इसलिए ब्राह्मण देवता पूजनीय होते हैं, इसलिए क्योंकि ब्राह्मण देवता ही हमें भगवान की पूजा के करीब ले जाते हैं, इसलिए वो पूजनीय है। तस्मात ब्राह्मण देवता, क्यों? क्योंकि मंत्र भगवान के जो हैं वो ब्राह्मणों के हाथ में है और भगवान मंत्रों के अधीन है। तो सेवा सबसे बड़ा धर्म है, सेवा। इस संसार में जो सेवा करे, चाहे वो धर्म की, चाहे वो अपने माता पिता की, चाहे वो अपने गुरुजनों की, चाहे वो अपने देश की, जब आप सेवा करने पर उतर आते हो तो परमात्मा तुम्हारी तरफ कृपामय नजरों से देखता ही है, उसे फिर कोई विचलित नहीं करता, वो देखता ही रहता है। गोपियां कह रही हैं, हे कृष्ण हम तुमसे तुम्हारी सेवा चाहती, हमें मालूम है इस ब्रज पे कितने विपत्तियां आई हैं, ब्रज पे कितने संकट आए, लेकिन हे प्यारे हमें मालूम है उन संकटों से इस ब्रज को किसी ने बचाया तो वो तुम, चाहे वो दावानल अग्नि हो, चाहे वो कालियनाग, चाहे वो कितने भी बड़े बड़े भयंकर यहां पर बड़े बड़े बलवान राक्षस आए, इन सब से तुमने ही ब्रज को बचाया और हम तो आपके बिना मोल की दासी हैं। एक दास होते हैं जो सेवा करते हैं, पैसा लेते हैं, शुल्क लेते हैं, लेकिन हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, आपसे कोई शुल्क नहीं चाहते, सिर्फ आपकी सेवा चाहते हैं, आप हमें छोड़ के मत जाओ। भगवान की कथा ऐसे ही गानी चाहिए, भगवान को ऐसे ही रिझाना चाहिए, भगवान से कहना चाहिए हे प्रभु हम आपके हैं, बार बार उनको याद दिलाते रहो हम आपके हैं, हम आपके हैं। आप कहते हो हम लोग याद दिलाते हैं, भगवान नहीं मानते, ऐसा नहीं होता है। बस उसने तुमसे कहा नहीं है, बाकी मानता तो वो तुमको है। एक बात पूछूं, तुम्हारे द्वार पर एक भिखारी आए और कहे हमें 10 रुपये दे दो, तुम्हारा देने का मन न हो तुम उसे मना कर दोगे? दूसरे दिन फिर आए, कह दो, वो कहे 10 रुपये दे दो, फिर मना कर दो। तीसरे दिन फिर भिखारी आए, फिर तुम मना कर दो। मैं तुमसे पूछता हूं कितने दिन तक मना कर सकते हो उस भिखारी से? जवाब दीजिए। खूब डांटो, खूब गाली दो, खूब कुछ भी करो, इसके बावजूद भी वो आ जाए तो कितने दिन तक तुम उसे नहीं दोगे? बोलो, तुम्हारी लिमिट कितनी है? कितने दिन तक तुम उसे लौटा दोगे खाली हाथ? 5वें, 6वें, 7वें, 10वें, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें, 15वें, 14वें, 15वें, 14वें, कभी तो दोगे नहीं कि यार तू ले जा मेरी जान छोड़, रोज रोज मेरे देहरी के तू चक्कर मत काट, ले जा। दोगे कि नहीं सिर्फ इतना बताओ, हैं? बहुत कंजूस हैं भाई, देने के नाम पे सांस रुक गई, 10 रुपये देने पड़ेंगे? ना ना, वो भिखारी पे तो छोड़ा ले, तू पड़ोसी के यहां से कितना लाए वो दे जा मुझे, हैं? 15वें दिन तो दे ही दोगे, अरे ले मेरा बंद छोड़, दोगे कि नहीं? जब तेरे जैसा कंजूस 15वें दिन उसे कुछ न कुछ दे देगा तो मेरा परमात्मा तो कंजूस नहीं है, अगर तू रोज उसके यहाँ जाएगा तो वो कब तक नहीं देगा, जरा बता दे कब तक नहीं देगा? एक दिन वो भी विवश हो जाएगा, कह दे ले ले भाई मेरा पीछा छोड़, यार क्या चाहिए बोल, रोज जाओगे तो वो तुम्हें जरूर देगा। इसलिए काम पे जाने से पहले मंदिर जाना चाहिए, भगवान के आगे सर झुकाना चाहिए, अच्छा दिन निकलेगा। लौटते हुए भी सर झुकाता, आज अच्छा प्रॉफिट हुआ महाराज, इसमें से इतना तेरा है, बचा के भी रख, सेवा है ना, सेवा करना, गरीबों की सेवा कर, किसी की भी। तो सेवा, गोपी कहती है कृष्ण हम तुमसे तुम्हारी सेवा चाहते हैं। श्री कृष्ण से रहा नहीं गया, पीताम्बर धरा स्त्रगवी साक्षात मनमथ मनमन मनमथ मनमथ, श्री कृष्ण पीताम्बर धारण करके गोपियों के मध्य में प्रकट हुए। बोलो कृष्ण कन्हैया, और गोपियों के मध्य में प्रकट इसलिए हुए क्योंकि वो गोपियों के मन की इच्छा रास रचाना चाहते हैं और उनको गोपियों को स्वीकार किया, तब श्री कृष्ण ने उन गोपियों के साथ में रास किया। रास का मतलब होता है परमात्मा से मिलन, आत्मा और परमात्मा का मिलन। अब आप पूछिए भगवान ने रास क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि कामदेव को बड़ा अभिमान था कि मैं जिसे चाहे परास्त कर सकता हूं, जिसे भी चाहे मैं परास्त कर सकता हूं, और बड़े बड़े देवी देवता उसने परास्त भी किए, ब्रह्मा जी, शंकर जी, इंद्र, नारद जी, सब परास्त किए उसने, तो उसे बहुत अभिमान है। तो श्री कृष्ण ने उस कामदेव को परास्त करने के लिए महाराज किया,
और जब कामदेव ने श्री कृष्ण को इतनी इतनी सुंदर गोपियों के मध्य में नृत्य करते हुए देखा, तो जब नृत्य भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं तो उस सुंदर छवि को देखकर कामदेव स्वयं ही परास्त हो गया और कहने लगा, हे प्रभु, आपकी कोई लीलाओं का परंपार नहीं है, तेरी लीलाओं का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने, कोई और नहीं जान सकता। वही कामदेव द्वारका में श्री कृष्ण का पुत्र आके बना, नाम है प्रद्युम्न, वही पुत्र आके बना। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना। है जी चिरैया कौन बोली? जानते हो मेरे को कई लोगों ने कहा, महाराज उद्धव चरित्र सुनाना, उद्धव चरित्र सुनाना। बज गए 5, उद्धव चरित्र सुनाऊंगा तो बजेंगे 6:30 उद्धव चरित्र में ही, फिर होगा रुक्मणी विवाह, बजेंगे 7:30 और 8। और ये मैं कर सकता हूँ, ठाकुर जी की इतनी कृपा है कि 2:30 बजे से लेके 8 बजे तक कथा हो सकती है और दिल भी है, लेकिन जिस वजह से यहाँ पर समय रखा है अर्ली, वो हमें परमिशन नहीं देता। इसलिए उद्धव चरित्र में जब भगवान श्री कृष्ण 11 वर्ष 56 दिन के हुए, तो ब्रजवासियों को सुख देने के बाद श्री कृष्ण जब मथुरा जाने लगे, तो जब मथुरा जा रहे थे, मैया यशोदा बाबा नंद सब रो रहे हैं, सब व्याकुल। कृष्ण झूठ बोल रहे हैं, मैं परसों आ जाऊंगा तुम रो मत, मैं परसों आ जाऊंगा तुम रो मत। लेकिन ब्रजवासी कह रहे हैं, अरे कन्हैया परसों तो तू जब आवेगो जब जावे हो, तू जावे ही मत, का करे वो जाए कि तू, पता नहीं कंस कितना दुष्ट है, काहे को जा रहे हो, काहे तू मत जावे कन्हैया, तू पता नहीं हम सब हमारो तू प्राण है, और जब तू हमारो प्राण है तो हमें छोड़ के क्यों जा रहे हो। कृष्ण मत जावे ना, तेरे बिना हम पे नाजी हो जाएगा, तेईस भैया हम सब को तू प्राणन को आधार है, तू हमारो प्राण है, हमारी सांस है। अरे कोई साधारण जाए तो जाए, पर तू हे कृष्ण, अगर जानो ही चाहो ना तो पहले हम सबको मार के चले जाओ, फिर चले जाए। मैया यशोदा रो रही, बाबा नंद रो रहे, ब्रजवासी ब्रज के ग्वाल रो रहे। अरे वो मधुमंगल बोले, कन्हैया तू तो बड़ा झूठा निकलो रे, तू तो बहुत बड़ा झूठा है, तेने हम ते जो कही कि मैं तुम्हें कभी भूलूंगा नहीं, तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि तुम्हारा जैसा मित्र मुझको कभी नहीं मिलेगा। तेरे पीछे हम सब कछु भूल गए, न हमें मैया की सुध, न हमें बाबा की सुध, न हमें गैया बछड़ान की सुध। क्यों? क्योंकि हम 24 घंटा जी सोचे जब कन्हैया आए तो हमें काई बात की चिंता है, हमारी हर स्थिति में तू हमारा संग देगो, तू इतनों सो बताए जा, अगर तू चले गयो तो हमारो का होएगा, हम कौन के सहारे जिएंगे, हम मित्र कौन से कहेंगे, कौन ते कहेंगे वो हमारो मित्र है। नहीं कृष्ण, नहीं हमें छोड़ के मत जा। देख लाला, तेरे संग वो माखन खाएबो, तेरे संग चोरी करबो, सखीन की वो मटकी फोड़बो, मारक को दान मांगबो, और ये सब उदम करबो, ये सब तेरी याद बहुत बहुत विचित्र है रे, तू हमें छोड़ के चले गए हो, तो सच कह रहे हम जीवित नहीं रह पाएंगे। पर ऐसा लगे कन्हैया तू तो वाकई बड़े बाप की औलाद है, हम तो लोग कहो करे कि मित्रता बराबर के लोगों में करनी चाहिए,
राजा के छोरा को राजा से मित्रता करनी चाहिए, गरीब को गरीब से मित्रता करनी चाहिए। कहा हम पे ये गलती है गई कि हम गरीब होते वह तो मित्रता कर बैठे, ये हमारी गलती, ये हमारा अपराध है। और अगर अपराध है तो ये अपराध की इतनी बड़ी सजा मत दे कृष्ण की तू हमें छोड़ के चलो जाए। नहीं कृष्ण, नहीं, छोड़ के मत जाओ प्यारे, अगर आप हमें छोड़ गए ना तो हमारा जीवन शून्य है जागो, कछु नहीं बचा। श्री कृष्ण जाकर झट लिपट गए मधुमंगल से, कृष्ण लिपट गए। तू ऐसे क्यों कह रहा है, अरे तू मेरा वाकई मित्र है, बहुत मेरा प्यारा है, और तुम क्यों सोच रहे हो मैं परसों आ रहा हूं ना, इसमें रोने वाली बात ही क्या है, रोने वाली बात नहीं, मैं आऊंगा परसों आऊंगा। तो मधुमंगल कहते हैं एक काम कर जा, तुम जाना चाहते हो ना तो हमें वो उपाय बता जाओ जिससे तुम्हारी याद ना आए, सिर्फ वो उपाय बता जाओ, तुम्हारे बिना हम जीना सीख जाएं, तुम हमें वो सिखा जाओ। क्यों? क्योंकि हमारे आंखों को तुझे देखने का, कानों को तेरी वाणी सुनने का, और जिभ्या पर तेरा नाम गाने की आदत पड़ गई है, आदत पड़ गई है, इसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। गोपियों को पता चला, गोपियां दौड़ी दौड़ी चली आई और यशोदा जी के आंगन को चारों तरफ से घेर लिया। श्री कृष्ण देख रहे अब क्या होगा, हर घड़ी याद, हर घड़ी याद तेरी आए, सौतन बन के मैं फिरूं श्याम गई मैं तो तेरे चेहरे
कृष्ण सब ब्रजवासियों से कहते हैं, तुम चिंता मत करो, मैं परसों आ जाऊं। और सभी को श्री कृष्ण झूठ बोलकर अक्रूर जी के साथ, बलराम जी के साथ मथुरा की ओर प्रस्थान करते हैं। मथुरा में श्री कृष्ण अनेकों भक्तों को सुख देते हुए कंस को मारकर देवकी वसुदेव को कारागार से मुक्त करते हैं। उग्रसेन को मथुरा का राजा बनाते हैं, उद्धव को ब्रज भेजते हैं। कुछ समय बाद आप सबसे निवेदन है, थोड़ा सा टाइम दीजिए, शांति बनाए रखिए। जब शुरू हो ही गया है तो होने दीजिए। एकाग्रचित होकर सिर्फ सुनिए। तुमने कभी नहीं सुना होगा कि वो ब्रह्म रोता है, लेकिन सच्चाई यह है कि वो भी रोता है। जानते हो किसके लिए? माँ यशोदा के लिए, अपनी मैया के लिए। यशोदा के लिए रोता है, बाबा नंद के लिए रोता है, अपने ग्वाल वालों के, अपने मित्रों की याद करके रोता है वो। एक दिन की बात है, देव की मैया ने सोने की थाली में भोजन परोस के रखा है। चौकी पे कृष्ण बैठे, मैया देवकी ने कही, क्यों कृष्ण आप माखन खाएंगे? माखन लेना? जैसे ही माखन का नाम सुना, मैया यशोदा याद आ गई। ये नहीं कहती थी माखन खा ले या खानो, सीधी माखन को कटोरा लेके मिश्री मिला के, ले रे लाला, तो श्यामा गैया को माखन बहुत प्रिय लगे, तेरे लिए निकाल के लाई हूँ, अभी खा, मेरे आगे खा। माँ देवकी ने पूछा, माखन खाना है, लेना है, ग्रहण करना है? मैया यशोदा की याद आ गई और तुरंत दौड़े वहां से, भोजन की थाली छोड़कर और अपने कक्ष में जाकर मैया यशोदा की याद कर करके फूट फूट के रोने लगे। देवकी माँ ने कहा, क्या हो गया? उद्धव को भेजा, जाओ देखो कृष्ण को क्या हुआ। उद्धव ने पूछा, क्या हुआ प्रभु? बोले, कुछ नहीं, कुछ तो, फिर भी तो बोलो क्या हुआ। कुछ नहीं, बस यशोदा माँ याद आ रही है, बाबा नंद। हर इंसान बच्चे संतान इसलिए पैदा करता है कि बुढ़ापे में सेवा करे। मैं कितनों कपूत हूँ जो अपने बाबा के बुढ़ापे में, मैया के बुढ़ापे में उनको छोड़ के चले आया, और फिर भी उनने मोते कछु नहीं कही, कछु भी नहीं कही। और आज वो मैया यशोदा मेरे विरह में ब्रज में बैठ के रो रही है, और मैं यहां आराम से सोने की थाली में रोटी खा रही हूं। उद्धव जाने, यहां कृष्णचंद्र कहने वाले बहुत हैं, यहां सोने की थाली में भोजन जिमाने वाले बहुत हैं, लेकिन कालो कनुआ कन्हैया कहवे वारो यहां कोई नहीं। यहां अपने हाथ से माखन निकार के खवाए वारो कोई नहीं। लोग तो ब्रजवासी समझते होंगे, हे उद्धव एक काम करोगे, छोटा सा काम, ब्रज चले जाओ और ब्रज जाकर मैया यशोदा को कहना कि वो ये न समझे कि मैं प्रसन्न हूं,
उनको कहना कि उनकी बड़ी याद आती है मुझे, बहुत कृष्ण मैया यशोदा को छोड़ के सुखी नहीं है, कृष्ण मैया को छोड़कर दुखी है। और कहना मैं भूला नहीं हूं, पल पल मुझे मेरी माँ की याद आती है, हर पल याद आती है, हर पल कहना जाके मैया यशोदा को। उद्धव बोले, क्या ये ब्रह्म के आंसू है? बोले नहीं, ये ब्रह्म के आंसू नहीं है, एक पुत्र के आंसू, एक उस पुत्र के आंसू है जिस पुत्र को उस मां ने कितने ध्यान से, कितने लाड़ से, कितने प्यार से पाला है, कितना प्यार करती है वो मुझे। उद्धव जानते हो, जब मैं रात में सो जाता था ना, रात में कई कई बार उठ कर आती थी मेरे पास, ये देखने कहीं मेरा लाला उगड़ न गयो होए, कहूं मेरे लाला सर्दी न लग जाए, ऐसा प्रेम मैया यशोदा से, वो इतना प्रेम करती है। मेरा संदेश जाकर देकर आओ ब्रजवासियों को। उद्धव गए, वो सब प्रसंग है। ज्यादा नहीं सुनाएंगे, सिर्फ इतना सुनाएंगे आपको, ब्रजवासियों की दशा छोड़ दो, वो न कहने की शक्ति हमारी वाणी में है, न सुनने की शक्ति तुम्हारे कानों में। इतना समझ लो, उस कृष्ण से सिर्फ ब्रजवासी प्रेम नहीं करते, वहां के पेड़ पौधे भी सूख गए जब कृष्ण चला गया, पेड़ पौधे इतना प्यार करते कृष्ण। और जब उद्धव ब्रज में प्रवेश कर रहे थे, तो वहां के कांटों ने उद्धव को समझाना चाहा, चले मथुरा से जब उद्धव वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखाया, उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ दें हम प्रेम दीवाने, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं है, प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं है, प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, जगत में सार और कुछ सार नहीं, ये तो झूठा है संसार और कोई सार नहीं, ये झूठा है संसार और कोई सार नहीं है, प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, दोनों हाथ ऊपर करेंगे, दोनों हाथ ऊपर करेंगे, है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं, है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं। प्रेम बहुत ही श्रेष्ठ है, जिस प्रेम के बंधन में मेरे कृष्ण माया सोदार बाबा नंद को याद करके रोते भी हैं। उद्धव गए, गए तो थे सबको ज्ञानी बनाने, लेकिन प्रेमी बनकर लौटे। गए थे ये कहकर कि मैं परसों आ जाऊंगा,
लेकिन 6 महीने में लौटे। क्यों? प्रेम की भूमि है श्रीधाम वृंदावन, और जो उस प्रेम की भूमि पर एक बार चला जाता है वो प्रेमी बन ही जाता है। अगर कोई किसी भी भावना से ब्रजवास करे, थोड़ा भी ब्रजवास अगर उससे मिल जाए तो कृष्ण प्रेम जागृत होने लग जाता है, और अगर ज्यादा वास मिल गया तो प्रेमी बने बिना तुम रह नहीं सकते। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, पर प्रेम न जाने कोई, शीश काट हाथ ही धरो प्रेम कहावे सोए। जो लोक लाज कुल कान घर परिवार धन दौलत ऐश्वर्य वैभव पति पुत्र भैया बहन भाभी मैया सबको एक साइड में रखकर जो कृष्ण से प्रेम करता है वही गोपी है, और ऐसी गोपी को कृष्ण कभी नहीं बोलते, ऐसी गोपी को कृष्ण कभी नहीं बोलते। तो आइए, 11.5 बरस ब्रज में, 12.5 बरस मथुरा में, और उसके बाद श्री कृष्ण द्वारिका चले गए। जरासंध ने ब्राह्मणों को बंदी बना लिया था और कहा था मेरी विजय के लिए यज्ञ करो, अगर मेरी विजय नहीं हुई तो ब्राह्मणों में तुम्हारा वध कर दूंगा। बेचारे ब्राह्मण मृत्यु के भय से जरासंध की विजय के लिए यज्ञ करने लगे। श्री कृष्ण ने सोचा, नमो ब्राह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मणे ताय च, मैं आता भी तो इन्हीं ब्राह्मण गौ और धर्म की रक्षा के लिए हूँ, वही ब्राह्मण मेरी वजह से कष्ट पाएं, ये अच्छी बात नहीं। तो श्री कृष्ण मथुरा से रण छोड़कर भागे, और यहीं ग्वालियर के पास में मुचकुंद नाम की गुफा है धौलपुर के पास में, वहाँ मुचकुंद जी महाराज सोए हुए थे, जिनको जगवाकर कालियवन को भस्म कराया, और उसके बाद श्री कृष्ण द्वारिका चले गए, और द्वारिका में सोने की द्वारिका है, वहाँ पर श्री कृष्ण को पहला प्रेम पत्र रुक्मणी जी का आया। आइए सरकार, ए दूल्हा सरकार, सरकार शादी करनी है, हैं? शादी करनी है सरकार, थोड़ा आगे आइए, आगे शादी करेंगे, हैं? करनी है ना, हैं? देखिए क्या प्यार से मुस्कुरा रहे हैं, जल्दी करवा दो, इनके भैया का भरोसा नहीं, यानी क्या फिर से लड़ाई न करवा बैठे हो, एक बार तो भैया ने हराया भैया को। सरकार करेंगे शादी, ग्वालियर के भगवान है, मॉडर्न भगवान है, पता नहीं क्या कहते हैं। सरकार कर ही लो, इतनी जनता आपके विवाह में शामिल होने के लिए आई है, रुक्मणी जी आप करेंगी शादी? हमसे तो कुछ मत पूछो, जल्दी से माला डलवा दो, हमने तो बुलाया है, ये सारा क्रेडिट हमने किया है पत्र भेज के। तो आइए पहले रुक्मणी जी माल्यार्पण करेंगी, फिर कन्हैया, और आप लोग जोरदार ताली बजा कर मेरे कन्हैया के उस समय शामिल होंगे। रुक्मणी जी माल्यार्पण करें, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणरध्वज मंगलम पुनरीकाक्ष मंगलाय स्तनो हरि स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्तवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो हरिश्चनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु। भगवान के साथ में नृत्य करने के लिए आप लोग आ जाइए, सिर्फ आप लोग, अब भगवान अकेले नहीं नृत्य कर सकते ना, शर्माएंगे। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से ओ मैया करा दे मेरो ब्याह, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से ओ मैया करा दे मेरो ब्याह, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से ओ मैया करा दे मेरो ब्याह, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से हे मैया करा दे मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी खोटी है, उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी खोटी है, ओ कैसे करा दूं तेरो ब्याह, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से ओ मैया करा दे मेरो ब्याह, सिरा दे
बरसाने की छोरी सी ब्रसभान किशोरी बरसाने की छोरी सी ब्रसभान किशोरी मेरे मन मंदिर की वो चंदा सी उजियारी मेरे मन मंदिर की वो चंदा सी उजियारी ओ कह दी जो बाबा ते ये बचन प्यार के राधिका गोरी से बिरज की छोरी से ओ मैया करा ले मेरो ब्यार राधिका गोरी से। जितने भी लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं ये बुरा काम कर रहे हैं, आप सब से प्रार्थना है कोई मोबाइल यूज नहीं करेगा, यहाँ सिर्फ नृत्य करिए, नृत्य पे ध्यान दीजिए। राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा ले मेरो प्यार, राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से शिराल मेरो प्यार। आंगन में जब तेरे डोलेगी झुनक झुनक आंगन में जब तेरे डोलेगी हंस हंस के जब मैया वो घूंघट बड़ बोलेगी हंस हंस के जब मैया वो घूंघट बड़ बोलेगी कह दी जो दाऊ ते वो बैठे द्वार पे रात का गोरी से ब्रज की छोरी से ओ मैया करा ले मेरो प्यार, राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा ले मेरो प्यार। उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी खोटी है कैसे कराए दूं तेरो प्यार। आप लोग जरा पीछे होएंगे, सरकार को आगे करिए, सरकार आगे आइए सरकार, और ये धोती वाले ग्वाल वाल आगे आएंगे, ए धोती वालों चलो आगे आओ, ये हमारी संप्रदाय के लोग हैं, जींस वाले बहुत मिलेंगे धोती वाले कम मिलते हैं, ए दोनों तीनों इसने भी पहनी हुई है, अच्छा ये पजामा वाला है, चलो यहाँ रखो हाथ दोनों दोनों रखो और एक हाथ यहाँ, अच्छा अचक नाचो कन्हैया के विवाह में हरि बोल देख रहा हूं कितने तो ऐसे खड़ूस, वो अगर हम क्यों नाचे हमारी थोड़ी है रही है, अरे जब तेरी वही जबू का नाचो तू तब ऐसी बैठो जैसे और काऊ के ब्याह में आयो। ओ भैया जिजमान, ओ भैया जिजमान, ओ यंग जिजमान, ओ भैया आ गया धोती वालों के संग नाचो, वैसे तुम्हें भी यार धोती पहननी चाहिए थी, उतार ली, अरे घर वाले पसंद ही नहीं करते कि धोती, ए यहां मत डालना उधर ही भगवान पे बरसाओ फूल, और आप भी नाचो इधर, राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से ओ मैया कराए ले मेरो ब्याह, राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से ए मैया कराए ले मेरो ब्याह, मैया कराए ले मेरो ओ मैया कराए ले मेरो मैया कराए ले मेरो। मुकुट सिर मोरी हैं गाऊं क्यों
मैं कोई गाने वाला हूं। अरे अगर चुभिया तेरी बहू कहां गई? नहीं मैंने, मुझे डाउट है यार तुम पे, पक्की बात तेरी है ही ना, बुला फिर, हद कर रहे हो, अकेली छोड़ रहा कि जनता में संग लेके हाथ पकड़ के नाच चकाचक, आज नहीं नाचो तो कब नाचेगो ठाकुर जी के ब्याह में, हाथ पकड़ ले और पापा तो कहते नीचे माऊ चले जाओ ने। श्री राम मुकुट सिर मोर का, मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का, मेरे चित चोर का, तूने नजर कार के कटिले कटार से, तूने नजर कार के कटिले कटार से, मुकुट सिर मोर का, मुकुट सिर मोर का, लोग दिल से नहीं नाच रहे तुम आइस भैया, ऐसे आनंद आना चाहिए। ए धोती वालो खबरदार, अगर चुप खड़े रहे तो चकाचक नाचो। कोई पीवे ओ, कोई पीवे जवानी है कब सुना रही है दरिया होगा। नाम रस, नाम रस, नाम रस मीठा है, नाम रस मीठा है, नाम रस मीठा है, नाम रस मीठा है। अब हुआ मुझे यकीन, 2300 भैया मैं पहले दिन आते संगा में हो। अरे ऐसे ही भगवान के, अरे क्या तुम लोग हंस रहे हो? अगर तुम अपनी साथ में लाए हो तो नाचो अपनी अपनी हाथ पकड़ के। नाम रस जय हो, नाम रस जय हो, नाम रस सो जाने नाम रस मीठा है, नाम रस मीठा है। हरि बोल। दागे छोटा पियस का भैया रे, दागे छोटा पियस का भैया रे, दागे छोटा पियस का। ओ बन बन डोले श्याम बाबरी, पढ़ो नाम को चसका भैया रे, पढ़ो नाम को चसका भैया रे,
पढ़ो नाम को चशिका में गिरधर की गिरधर मेरे गिरधर की गिरधर मेरे उन संग जन्म जन्म के फेरे उन संग जन्म जन्म के फेरे ओ मेरो श्याम मेरो श्याम मेरो श्याम मेरो श्याम मिलावे जय हो नाम रस जय हो के विवाह में कौन कौन खुश है? अच्छा खुश तो बहुत है, नीचे करो। जो भगवान के विवाह में दुखी है वो हाथ उठाओ। जो दुखी है, दुखी दुखी मीन सैड अपसेट। कौन कौन अपसेट है भगवान के विवाह में? जो जो शिशुपाल की बारात में आए थे वो हाथ नीचे रखें, और जो कन्हैया की बारात में आए वो दोनों हाथ ऊपर करें। अरे भैया मो तो एक दो आदमी शिशुपाल बारे भी दिख रहे हैं, दोनों हाथ ऊपर करो ऐसे। अमोलक सफल बना लई काया भैया रे सफल बनाए लई काया भैया रे सफल बनाए लई काया ओ ऐसी लगन लगाए लई भैया छोड़ दी जग की माया भैया रे छोड़ दी जग की माया भैया रे छोड़ दी जग की माया। दोनों हाथ ऊपर करेंगे सभी लोग। कई लोग क्या कर रहे हैं ऐसे समझ रहे जैसे हाथ ऊपर कर दो हो गया काम। ये काम जवानी में कर सकते हो, बुढ़ापे में नहीं होगा। इसीलिए कहता हूं जवानी में भक्ति शुरू कर दे, बुढ़ापा सुधर जाएगा। तेईस भैया कैसे नाम रस ऊंचा नाम रस तुम्हारी सुगंध कैन की जवानी तो ऐसी जा रही है जैसे चूल्हे में जा रही हो लकड़िया। नाम रस नाम रस नाम रस मीठा है नाम रस मीठा है नाम रस मीठा है नाम रस मीठा है ओ कोई पीवे कोई पीवे कोई पीवे कोई पीवे कोई पीवे जान नाम रस मीठा है नाम रस मीठा है नाम रस मीठा है नाम ओ मेरो कोई गयो ओ मेरो कोई गयो ओ मेरो कोई गयो बाजू बंद रसिया होरी में मेरो कोई गयो बाजू बंद रसिया होरी में होरी में होरी में रसिया होरी में होरी में होरी में रसिया साढ़े तीन घंटा से कथा कौन कर रहा है?
और ऊर्जा में अभी भी ऊर्जा किसकी ज्यादा है? तो तेरी ऊर्जा का करंट के संग खत्म हो गई है। जोर से, ओ मेरो खोई गयो, ओ मेरो खोई गयो, ओ मेरो खोई गयो, मेरो खोई गयो, बाजू बंद रसिया होरी में, मेरो खोई गयो, बाजू बंद रसिया होरी में, कह रहे हो तुम? जैसे लोग मेरे ठाकुर जी के विवाह में सम्मिलित हुए हैं, भगवान करे जैसे आप नाच रहे, झूम रहे, गा रहे, आपके चेहरे की जो खुशी है ये खुशी आजीवन बनी रहे और आप ऐसे ही मुस्कुराते रहें ठाकुर जी के विवाह में। ओ आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, पीछे तक हाथ उठाकर नाचिए जरा। अरे दुनिया की शादियों में बहुत नाचते हो, रोड पे कम कदो। दुनिया की शादी में नाचोगे नरक में जाओगे, कन्या की शादी में नाचोगे स्वर्ग में जाओगे, रंग मस्ती में चकाचक हो जाए। हरि बोल। आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, शाम की शादी है मेरे घन श्याम की शादी है, शाम की शादी है मेरे घन श्याम की शादी है, आज मेरे, आज मेरे, आज मेरे श्याम जय हो, आज मेरे श्याम की शादी है, बनी है खूब जोड़ी, जय हो, बनी है खूब जोड़ी, कृष्ण रुक्मण की जोड़ी, कृष्ण रुक्मण की जोड़ी, बनी है खूब जोड़ी, बनी है खूब जोड़ी, ओहो कृष्ण रुक्मण की जोड़ी, कृष्ण रुक्मण की जोड़ी, खुशी से नाचे है मन, खुशी से मेरे श्याम की शादी है, मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरी, पिया 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 पिया, हरि बोल। श्री राम जो भाई, मतलब मुझे बोलना पड़ेगा तब तुम्हारे पल्लू ऊपर आएंगे। अरे कन्हैया के नाम की चुनरी कौन नहीं ओढ़ना चाहेगा? कौन कौन चाहता है कन्हैया के नाम की चुनरिया ओढ़ना? चाहते हो ना? ऊपर करो, ऊंची दिखनी चाहिए,
पीछे तक पंडाल में पूरे में पता लगे ये चुनरी नहीं कन्हैया की भक्ति के रंग है। ऐसे खोल के करिए, अरे कल्ला ऐसे करके हरि बोल। पल्लू भी हिलाना नहीं आता, बनके जोगनिया जोगनिया कितना सिखाऊं तुम्हें, बनके जोगनिया तेरी पिया वृंदावन जाऊंगी, हो बनके जोगनिया तेरी वृंदावन जाऊंगी, ओ मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरी पिया 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 हरि को लाड लड़ाओ कृष्ण पिया को लाड लड़ाओ, धीरे धीरे चरण दबाओ धीरे धीरे चरण दबाओ, आवे जहां ते मेरो पिया वो तो पिया पिया ते मेरो पिया, ओ आवे जहां ते मेरो पिया वो तो आवे जहां ते मेरो पिया, मैं पलके बिछाऊंगी जोगनिया 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 खाना की वृंदावन जाऊंगी, हो बन के जोगनिया खाना की वृंदावन जाऊंगी, ओ मैंने ओढ़ी पीछे तक सबके सर पे चोला मेरा रंग दे ओ मुरली वाले, चोला मेरा रंग दे ओ मुरली वाले, ओ मुरली वाले मुरली वाले रंग दे ओ मुरली वाले, चोला मेरा रंग दे ओ मुरली वाले, जय राधे 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 राधे, जय राधे 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 लौटे ना लौटे जी तो आनंद की बात है। अब एक और बात सुनो, जितना आनंद तुम लोगों को आया यहां, और रुक जा बंसीवारे कमाल है, ग्वालियर में तुम बंसी बजा रहे हो, जापान में वो बंसी बजा रहे हैं, सब बंसी बजाए हुए कोई काम ले लिया तुमने, या हमारे बंसीवारे का होगा फिर जब ये तू का करे हो जब सभी बंसी बजाएंगे तो सुनो आप लोग ध्यान से सुनो, जो लोग चले गए अपने घर, अभी आप यहां नृत्य कर रहे हो, अभी कथा पूरी तो नहीं हुई, कुछ लोगों की तो चाय बन के ठंडी भी हो ली, पहुंच गए निकल गए वो तो घर गए पार गए, लेकिन मैं ये कह सकता हूं वो सच्चे पिपासु नहीं है, आए कथा सुने अच्छी बात है, लेकिन ये सच्ची प्यास है, जब तक ठाकुर जी का उत्सव होता रहे पंडाल नहीं छोड़ना, जब तक आरती ना हो जाए, यही सच्ची भक्ति है, पर सच्चे श्रोता ऐसे ही होते हैं और आपको सच्चा श्रोता ही बनना चाहिए। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, भगवान को ऐसी खुशियां आपको देता रहे। हाँ राधा अष्टमी के पावन उत्सव पे आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई, जोर से बोलो और जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा।
क्या राधा रानी हमें देखकर खुश नहीं हो रही होंगी? बिल्कुल हो रही होंगी, वहीं से हमें आशीर्वाद दे रही होंगी। एक बार और जोर से, और जोर से, और जोर से। इतना आनंद तो भरे मेरे प्यारे बैकुंठ में भी नहीं आएगा तुम्हारी कसम, जितना चकाचक कर दिया एकदम एकदम चकाचक हो गया। तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा करी जोर के, श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा करी जोर के, सिर सिर सवना मुकुट विराज तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जो, मैं हूँ दीन दुखिया भारी आया है प्रभु शरण तुम्हारी, रखियो नाज हमार करेगा कर जोर के, शाबा तेरी सेवक मोहि कर लियो, करो भव सागर पार करेगा कर जोर के, श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोर के, करेगा कर जोर के, करेगा कर जोर के, करेगा कर जोर के। श्री रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत कथा के मर्मज्ञ प्रसिद्ध कथावाचक और विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष परम श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज की अमृत वाणी से मन के विकार दूर होते हैं, चित्त शांत होता है और जीवन को सदमार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। ऐसे महामनीषी द्वारा अपने क्षेत्र में भी विश्व शांति के लिए महायज्ञ श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा का आयोजन करा जन कल्याण और विश्व शांति हेतु लिए गए महाराष्ट्र के संकल्प को आगे बढ़ाएं और पुण्य के भागी बने। विश्व शांति चैरिटेबल ट्रस्ट के फाउंडर मेंबर, समिति मेंबर, कार्यकारिणी मेंबर बनने व प्रियाकांत जो मंदिर में सहयोग करने हेतु संपर्क करें। शांति सेवा धाम छठी करा वृंदावन रोड मथुरा उत्तर प्रदेश, फोन नंबर 07351112221 07351113331 07351114441 वेबसाइट www.shantisevadham.com एवं www.vsscity.com ईमेल info@shantisevadham.com info@vsscity.com। विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के आजीवन सदस्य बनने, मासिक पत्रिका प्राप्त करने तथा महाराष्ट्र के कथा एवं भजनों की ऑडियो और वीडियो सीडी प्राप्त करने के लिए संपर्क करें